हेलो एवरी वन वेलकम टू लेट्स क्रैक यूपीएससी इज प्रतीक मैनेतीक एंड वंस अगेन आई वेलकम यू ऑन द लार्जेस्ट यूट्यूब प्लेटफॉर्म फॉर सिविल सर्विस प्रिपरेशन हम लोग कर रहे थे एनसीआर टी को पिछले क्लास के अंदर आपने बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स दिया एंड आई एक्चुअली फेल्ट मोटिवेटेड एज वेल फ्रॉम माई साइड कि आई शुड लाइक नो एक्सप्लेन मोर एंड मोर थिंग्स फ्रॉम द एनसीआर बट एन के बाहर भी हम लोग देख रहे हैं ऐसा नहीं है कि कंप्लीट एन के ऊपर ही फोकस कर रहे हैं तो आज हम लोग सेप्टर नंबर टू की शुरुआत कर रहे हैं हमने ऑलरेडी पिछले क्लास के अंदर चैप्टर नंबर वन को पढ़ लिया था इनफैक्ट आप में से जितने भी स्टूडेंट्स जो पहले क्लासेस के अंदर अटेंड कर चुके हैं दे नो दैट वी आर डूइंग इट अ क्रोनोलॉजिकल वे क्रोनोलॉजिकल वे का मतलब ये है कि जब इतिहास का इनफैक्ट डेवलपमेंट uh, होने की शुरुआत हुई तो हमने समझने की कोशिश की थी कि हिस्ट्री को हमेशा क्रोनोलॉजी के अंतर्गत टाइमलाइन के हिसाब से देखना है और जब हमने टाइमलाइन के परस्पेक्टिव से इतिहास को समझने की कोशिश की थी तो आप याद करिए सबसे पहले क्लास के अंदर हमने स्टोन एज के बारे में थोड़ी बहुत ब्रीफ डिस्कशन की थी सर ठीक है जो स्टोन एज मतलब ये वो पीरियड है जिसे हम लोग कहते हैं प्री हिस्ट्री का पीरियड मतलब ये है कि भाई यहां से इनफैक्ट है ना कोई डायरेक्ट सोर्सेज नहीं मिले थे हिस्ट्री के अंतर्गत और इसके लिए हम लोग इसको नहीं ध्यान में रखते हैं सर ठीक है उसके बाद आप याद करिए इंडस वैली सिविलाइजेशन की हमने शुरू की थी पिछले क्लास के अंदर और मैंने आपको बताने की कोशिश की थी कि ट्वेंटी सिक्स हंड्रेड बी सी ऑनवर्ड से इनफैक्ट है ना वी गेट डायरेक्ट एविडेंसिस फॉर द इंडस वैली सिविलाइजेशन और वो एटीन हंड्रेड बी सी तक चलता है सर ठीक है आज का हमारा जो चैप्टर है ये चैप्टर के अंदर दो टाइमलाइन दिया गया है द पीरियड बिटवीन 600 टू सिक्स छह सौ बी सी से लेके छह सौ सीई के बीच में करीबन 1200 साल का टाइम फ्रेम यहां चैप्टर के अंदर कवर करवाया गया है करीब बिटवीन सिक्स हंड्रेड बी सी टू सिक्स हंड्रेड सीई मतलब ये बारह सो साल का टाइम फ्रेम होगा क्यों होगा क्योंकि आप समझने की कोशिश करिए कि हम लोग यहाँ पे पिछले क्लास के अंदर कंक्लूड किए थे समवेयर इन द एटीन हंड्रेड बी सी ऑनवर्ड से ठीक है ना वहां से थोड़ा आगे चले जाओगे तो हमको पता चलता है कि एक पीरियड आता है जिसे हम लोग कहते हैं वेदिक एज सर ठीक है ये वेदी कही ना ये वेदिक एज आप कहीं ना कहीं आप पकड़ के चलेगा तो फिफ्टीन हंड्रेड से लेके वी कम टू नो अराउंड सिक्स हंड्रेड तक चलता रहेगा सर ठीक है इसमें दो पार्ट आता है एक तो अर्ली वेदिक आता है जिसे प्रारंभिक वैदिक युग कहते हैं और दूसरा पार्ट आता है जिसे हम लोग कहते हैं लेटर वैदिक पीरियड सर ठीक है अर्ली वैदिक पीरियड जो है वो 1500 से लेके 1000 थाउजेंड बी सी तक हमको यहाँ पे देखने को मिलेगा सर प्लीज रिमेंबर दिस टाइमलाइन एज वेल क्रोनोलॉजी के अंदर कभी कभी आपको पिक्चर क्लियर रहना चाहिए और लेटर वैदिक पीरियड जो है वो 1000 थाउजेंड बी सी से लेकर सिक्स हंड्रेड बी सी तक कहीं ना कहीं देखने को मिल जाता है हमको सर ठीक है ये जो लेटर वैदिक पीरियड था इसके बाद जो पीरियड शुरू होता है वो है 600 हंड्रेड बी सी ऑनवर्ड से पीरियड सर समझ में आया कि नहीं आया आपको सर ठीक है तो आपकी जो किताब है ये किताब के अंदर ये जो सेकेंड चैप्टर है वो यहां से शुरू हो रहा है मतलब आप सादी भाषा में देखने की कोशिश करिए तो यहाँ पे जो एज वाला पूरा का पूरा जो टॉपिक है वो ये नई एनसीआर ने कवर नहीं किया है ठीक है ना एक्चुअली न्यू एनसीआर स्किप्ड दिस टॉपिक पता नहीं उन्होंने क्यों ये चैप्टर को इंक्लूड नहीं किया क्योंकि से बनते रहते है पर पीछे बॉक्सिस में इनडायरेक्टली इन्होंने क्वेश्चन या टॉपिक को कवर किया है यहां पे सर ठीक है तो मैं जैसे जैसे आगे चलूंगा तो मैं आपको रिवाइज करवाता रहूंगा सर ठीक है आप चिंता मत करिएगा और एज को लेकर हम लोग जब तमिलनाडु की एनसीआर करेंगे तो मैं आपको तमिलनाडु की जो टेक्स्ट बुक है उसके अंदर जो डिस्कशन की गई है उसके सापे

आपकी किताब का टाइटल का नाम भी आप देखोगे चैप्टर का नाम है किंग्स फार्मर्स टाउन्स अर्ली स्टेट्स एंड इकोनॉमीज मतलब आप देखोगे सब कुछ डाल दिया है 1200 साल के समय के अंदर कौन राजा है कौन किसान कर रहा था खेती कैसे हो रही थी नए नए राज्य कैसे बन रहे थे और अल्टीमेटली आपकी अर्थव्यवस्था का निर्माण कैसे हुआ सो दिस चैप्टर एक्चुअली डील्स विथ मल्टीपल डायनेस्टीज मतलब यहाँ पे आप देखोगे तो महाजनपद के बारे में भी इनसाइड साइड यहाँ पे दिया गया है सर ठीक है फिर उसके बाद आप समझने की कोशिश करोगे तो हियर दे हैव हाईलाइटेड स्पेसिफिकली द केस ऑफ़ द मॉरियन एम्पायर सर ठीक है ना सो थ्री ट्वेंटी के आसपास आपको जानकारी होगी कि मॉरियस पावर के ऊपर आता है और मॉरियस के बारे में भी इन्होंने लिखा है सर ठीक है उसके बाद 185 एटी का जो पीरियड है ये वो पीरियड है जहां पे हमको पोस्ट मोरियन पीरियड के बारे में जानकारी मिलती है और ये एनसीआर के ये चैप्टर के अंदर पोस्ट मॉडर्न पीरियड की भी थोड़ी बहुत हमको नॉलेज दिया गया है जैसे इनफेक्ट कुशाण डायनेस्टी के बारे में इन्होंने मेंशन किया है ये वैसे ही आपको पता होगा कि संगम पीरियड के बारे में इसने लिखा है संगम एज आपको जानकारी होगी जो तमिल लिटरेचर की बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है सर ठीक है ना फिर उसके बाद आप समझने की कोशिश करोगे तो यहाँ थ्री के आसपास जीरो के बाद वाला जो पीरियड है वो गुप्ता एज से शुरुआत होती है सर है ना थ्री के आसपास का जो पीरियड और ये फिर गुप्ता इसको भी हाईलाइट करता है मतलब काफी कॉम्प्रीहेंसिवली ये चैप्टर डील करता है दिस चैप्टर डील्स इन अ वेरी कॉम्प्रेन्सिव वे तो मैं क्या करूंगा कि आज जो है वो खाली यहां से शुरू करूंगा मतलब है ना एक एक करके हम लोग देखेंगे इसको हम लोग लेटर कवर करेंगे अलग से एक स्पेशल सेशन के अंदर सर ठीक है क्योंकि एनसीईआरटी के चैप्टर में नहीं दिया है वेरी केज टीचिंग यू दैट थिंग ओके बट उसके लिए अलग से एक सेशन ले लूंगा वेरी केज के अंतर्गत के और तमिलनाडु की बुक में दिया हुआ है इसके बाद मैं तमिलनाडु की बुक भी आपको करवा दूंगा सर ठीक है ना तो ये तीन चार है टॉपिक यहाँ से हम लोग इसकी शुरुआत करेंगे तो प्लीज मेक श्योर की पहले क्रोनोलॉजी पिक्चर को अंडरस्टैंड कीजिए कि चैप्टर का जो नाम है वो नाम के अंदर हमको बहुत सारी चीजें मिलती है ठीक है और ये चैप्टर भी हम लोग ऐसे मल्टीपल सात आठ सेशन के अंदर करेंगे मतलब मिनिमम चार पांच सेशन तो होंगे ही सर ठीक है अगर लंबे सेशन लेंगे तो चार पांच सेशन के अंदर हम लोग कवर करने की कोशिश करेंगे और अगर छोटे सेशन हुए तो और भी बढ़ सकते हैं तो आई टेक अराउंड मीडियम वन एंड हाफ आवर्स तो मिनिमम रहेगा मेरे सेशनस की ड्यूरेशन डेढ़ दो घंटे के बीच में लेट सी ठीक है किस इस हिसाब से चलता है बट विल ट्राई टू प्लान इट आउट अकॉर्डिंगली खैर चलिए सर ठीक है ना तो ये चैप्टर की शुरुआत करते हैं और आप लोग थोड़ा अंडरस्टैंड करिएगा कि क्रोनोलॉजिकल डेवलपमेंट कैसे हुए चैप्टर को कैसे अपने अप्रोच करना है खैर उसके अलावा आपको पता ही है सर ठीक है आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हो तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आपके प्लेटफॉर्म के ऊपर जुड़िए इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है टॉप मोस्ट एजुकेटर्स और मेरे नए दो कोर्सेज लॉन्च हो रहे हैं अन प्लस के प्लेटफॉर्म के ऊपर इट्स अ पेड कोर्स आपको पता होगा सर ठीक है एक है हिस्ट्री ऑप्शनल फोर्टीन जुलाई से एट टू टेन ए एम और पूरा का पूरा पेपर वन हिस्ट्री ऑप्शनल का कवर करवाऊंगा पेपर वन का मतलब है ज सर ठीक है सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है तो आज ही ले लीजिएगा एंड विथ दिस कोड विल गेट टेन परसेंट ऑफ ऑन द फीस एज वेल सर ठीक है उपयोग कीजिए टेन परसेंट ऑफ आपको फीस के अंदर भी मिल जाएगा दूसरा एक कोर्स शुरू हो रहा है इक्कीस जुलाई को जो है क्रैश कोर्स ऑन मॉडर्न हिस्ट्री वो जीएस के लिए है ज फॉर दी जनरल स्टडीज सर ठीक है जीएस में जो पेपर वन आता है उसके रिलेटेड है सर ठीक है तो उसके लिए भी आप एक ही सब्सक्रिप्शन लीजिएगा जीएस और ऑप्शनल दोनों का तो आपको दोनों में फायदा मिल जाएगा सर ठीक है बाकी आपको इन फैक्ट अनडमी आज की तारीख में ऑफर दे रहा है अगर आप ऑप्शनल और जीएस का दोनों का कंबाइंड सब्सक्रिप्शन ले रहे हो तो यूल गेट अराउंड फोर्टी फाइव परसेंट ऑफ टोटल डिस्काउंट फोर्टी नाइन थाउजेंड सिक्स हंड्रेड एंड एटी इज द करेंट फीस अपोर्टीन ऑफ जुलाई मतलब है ना फोर्टीन जुलाई तक ये फीस है माइट बी पॉसिबिलिटी कि इसके बाद शायद ना भी हो और थोड़ी बहुत फीस प्लस माइनस हो जाए सर ठीक है सो इफ यू आर प्लानिंग टू टेक सब्सक्रिप्शन मेक द मैक्सिमम आउट ऑफ दैट है ना और खास करके जो फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर वाले स्टूडेंट्स उन लोग के लिए मैं सजेस्ट करूंगा कि आप दो साल का सब्सक्रिप्शन लीजिए एक साल ऑप्शन की तैयारी करिए मतलब छः महीना क्योंकि कॉलेज की भी आपको लोड होगा और साथों साथ बाकी सारी तैयारी भी कर सकते हो अकॉर्डिंग टू यू आप किस तरह से प्रोग्राम को मैनेज कर पाते हो बाकी अन आपको प्रॉमिस देता है दो साल के सब्सक्रिप्शन में अगर आपकी प्रॉब्लम क्लियर नहीं हो रही है या एग्जाम क्लियर नहीं हो रही है तो आपको एक साल का एक्सटेंशन भी दिया जाएगा यू विल विल्सो गेट वेरी कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज जहाँ पे एक साल का सब्सक्रिप्शन में भी आपको अगले साल की मेन्स तक की वैलिडिटी है मतलब यू विल गेट एक्स्ट्रा थ्री फोर मंथ्स आपको सब्सक्रिप्शन के अंदर ही फ्री के अंदर कवर करा दिया जाएगा सर ठीक है दूसरी टेस्ट सीरीज इसके अंदर कवर होती है थर्टी मेन्स के टेस्ट है और करीबन प्रीलिम्स के टेस्ट है फाउंडेशन के साथ तो ये भी आपके सब्सक्रिप्शन के अंदर इंक्लूड करा दिया जाएगा यू विल आल्सो गेट अ बुक सेट आपको 20 बुक्स का सेट मिलेगा ई फैसिलिटी करनी है लोन की फैसिलिटी करनी है तो अन अकेडमी वो भी करवा के देगा आपको सर ठीक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाली हुई है उसके ऊपर क्लिक करिए यू विल गेट ऑल द इंफॉर्मेशन सब्सक्रिप्शन दो प्रकार का अवेलेबल है जीएस का है और आइकॉनिक का दोनों का अवेलेबल है आइकॉनिक में आपको पर्सनल मेंटरशिप मिलती है इन द आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन यू गेट द पर्सनल मेंटरशिप एंड वाई द पर्सनल मेंटरशिप दे कैन गाइड यू रिगार्डिंग द आंसर राइटिंग और एनी अदर क्वेरीज दैट यू हैव और मैं तो आपके साथ रहूंगा ही सर ठीक है ना तो आप इनफैक्ट फीस uh, एक साल दो साल

मैं सजेस्ट करूंगा कि वन ईयर की ऑप्शनल की पैकेज लीजिए क्योंकि मेरा ऑप्शनल खत्म होते होते ही छः महीना लग जाएगा सर ठीक है ना क्योंकि बहुत कॉम्प्रिहेंसिवली मैं ऑप्शनल को करा रहा हूँ तीन सौ घंटे से ज़्यादा करवा रहा हूँ सर ठीक है सो आई एम ट्राइंग माय बेस्ट कि मैं आपको अच्छी डिलीवरी दूँ और साथ आपका जो एग्जाम ओरिएंटेशन है वो भी ना फटे उसका भी हम लोग ध्यान रखेंगे सर ठीक है ना तो ये सब है नई नई बैचेज शुरू हो रही है फोर्टीन जुलाई से टेस्ट सीरीज हमारी अवेलेबल है ये फ्री की है आप पी लाइव कोड को यूज करके इसके अंदर ज्वाइन कर सकते हो एवरी संडे वी हैव गॉट अ कॉम्बेट और इस संडे मेरा कॉम्बेट है मतलब सिक्सटी क्वेश्चन सिक्सटी मिनट्स के अंदर आपको सॉल्व कर हैं और अगर आप अच्छी तरह से इसमें परफॉर्म करते हो तो अकेडमी आपको सब्सक्रिप्शन देगा प्राइजेस भी देगा सर आई हैव सेट द क्वेश्चंस ऑन हिस्ट्री एंड आर्ट एंड कल्चर आपने कल मॉक दिया होगा आपको पता चल गया होगा कि व्हाट हाउ क्वालिटी ऑफ़ आर सेट ओवर हियर खैर चलते हैं आज के क्लास के अंदर हम लोग एनसीआर को शुरू कर रहे थे और एनसीआर के अंतर्गत मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा था कि हड़प्पी सभ्यता के डिक्लाइन के बाद क्या हुआ सर ठीक है ना वॉट एक्चुअली हैपन आफ्टर द डिक्लाइन ऑफ द इंडस्ट सिविलाइजेशन सर ठीक है अब देखिये हड़प्पे सभ्यता के डिक्लाइन के बाद क्या होता है और किस तरह से डेवलपमेंट हुआ सर ठीक है तो दो पॉइंट्स के ऊपर मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा सर ठीक है इंडस सिविलाइजेशन जो है अगर आप समझने की कोशिश करोगे इंडस सिविलाइजेशन को तो इसे हम लोग कहते हैं प्रोटो हिस्ट्री सर है ना प्रोटो हिस्ट्री क्यों कहते हैं क्योंकि यहां पे भी हमारे पास जो सोर्सेज है वो लिमिटेड है सर ठीक है लिमिटेड सोर्सेज अवेलेबल आर देयर सर ठीक है लिमिटेड सोर्सेज आर अवेलेबल सर क्यों क्योंकि हमने देखा था कि इंडस सिविलाइजेशन में जो भी है वो आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज ही अवेलेबल है बाकी हमारे पास कोई लिटरेचर सोर्सेस अवेलेबल नहीं है बट ये जो केज है वैदिक एज के बाद वाले जितने भी कंटिन्यूस पीरियड्स आपको दिखने हैं महाजनपद का पीरियड हो गया मोरियस का हो गया या इसके बाद वाले पीरियड हो गए इन सब पीरियड में मैं आपको आराम से कह सकता हूँ कि यहाँ से प्रॉपर हिस्ट्रिकल राइटिंग की शुरुआत हो जाएगी सर ठीक है क्योंकि ये वो टाइम है जहाँ पे हमारे पास बहुत सारे मल्टीपल सोर्सेज अवेलेबल है एंड वी आर एबल टू लाइक नो मैकअप की इसको किस तरह से कन्फर्म करना है सर ठीक है तो होता क्या है कि वेदिक एज में तो हमारे पास बहुत सारा लिटरेचर अवेलेबल है मल्टीपल लिटरेचर अवेलेबल सर ठीक है एज के बाद वाला जो पीरियड है महाजनपद का पीरियड है मौर्यस का पीरियड है इस पीरियड तक आते आते मैं आपको कहूंगा कि एज अ पार्ट ऑफ सोर्सेज हम लोग के पास लिटरेचर भी अवेलेबिलिटी हो जाती है मतलब साहित्य की भी अवेलेबिलिटी होती है और दूसरे हमको इंस्क्रिप्शन की अवेलेबिलिटी होती है इंस्क्रिप्शन का मतलब यह है कि हमको आर्कियोलॉजी के रूप में इनफैक्ट बहुत सारे ऐसे ताम्रपत्र मिलेंगे बहुत सारे स्टोन के हमको मॉन्यूमेंट्स मिलेंगे जिसके ऊपर कहीं ना कहीं कोई राजा का मैसेज मिल जाएगा सर ठीक है गेटिंग पॉइंट है ना तो कहानी ये है कि आफ्टर 600 बीसी मतलब महाजन पद के बाद का जो पीरियड जो हम लोग आज के क्लास के अंदर पढ़ेंगे सर ठीक है उसकी खासियत आपको पता होनी चाहिए कि आफ्टर द डिक्लाइन ऑफ द हड़प्पन सिविलाइजेशन करीबन एटीन हंड्रेड के आसपास हड़प्पा का डिक्लाइन गया उसके बाद छोटे मोटे कल्चर डेवलप हुए सर ठीक है उसके बाद मैंने आपको बताया कि वेदिक एज की शुरुआत होती है और वेदिक एज का जब इनफेक्ट चेंजेस हो रहा था धीरे 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 क्या होता है महाजनपदों का निर्माण हुआ सर ठीक है ये जो महाजनपद का निर्माण हो रहा है यहाँ से ही इनफैक्ट भारत में पॉलिटिकल स्टेट्स की बनने की शुरुआत होती है मतलब किंगडम्स बनने की शुरुआत हो जाएगी और ये जो किंगडम्स है इस किंगडम्स के अंतर्गत हमको काफ़ी सारे हिस्टोरिकल नॉलेज मिलता है यही किंगडम्स के अंतर्गत हमको बहुत सारे लिटरेचर के सोर्सेस और इंस्क्रिप्शन की भी अवेबिलिटी हो जाती है सर गेटिंग पॉइंट है ना तो आप याद करिए पिछले क्लास को प्लीज ट्राई टू रिकॉल द दाइन सर ठीक है हमने पिछले क्लास के अंदर आपको इनफैक्ट यहां से लेके यहां तक की कहानी बताई थी सर है ना ये पेल्योलिथिक है पेलोलिथिक के तीन फेसिस लोअर मिडिल एंड अपर मतलब पूरा पेलोलिथिक पीरियड फिर मिसोलिथिक ट्रांजिशन जोन फिर न्यूलिथिक नवपाषण युग हमने स्टोन एज को हम डिवाइड किया था और फिर चैलकोलिथिक क्यों क्योंकि यहाँ पे कॉपर प्लस स्टोन दोनों का मिक्सचर होता है सर ठीक है उसके बाद हमने हड़प्पन सिविलाइजेशन को पिछले क्लास के अंदर देखने की कोशिश की थी कि क्या डेवलपमेंट हुआ सर ठीक है हड़प्पन सिविलाइजेशन एक ऐसा पीरियड है जिसे हम लोग क्या कहते हैं प्रोटो हिस्ट्री की शुरुआत मतलब हिस्ट्री के अंतर्गत सोर्सेज मिलने की शुरुआत होती है और ऐतिहासिक रूप से हमको काफी सारे इंटरप्रिटेशन मिला सर ठीक है ये जो पीरियड है दिस इज नोन एज द प्री हिस्ट्री पीरियड प्री हिस्ट्री का मतलब क्या है कि ये वो समय है जहां पे हिस्ट्री के प्रॉपर एविडेंसेस नहीं मिल रहे हैं ये वो पीरियड है जहां पे हिस्टोरिकल स्टडीज अभी करने बाकी हैं और ये वो पीरियड है जहां हिस्टोरिकल डेवलपमेंट होने में अभी भी टाइम लगेगा सर ठीक है ना तो इन सब कंडीशन के अंतर्गत आप समझने की कोशिश करोगे तो हम लोग यहाँ पे अब आ गए हैं सिक्स हंड्रेड का जो पीरियड है यहाँ पे सर ठीक है ना क्योंकि वन थाउजेंड के आसपास जो पीरियड है वहां पे आपकी लेटर वैदिक पीरियड दिखेगी साउथ इंडिया के अंदर मेगालिथिक बरियल्स मिलते हैं बाय द वे मेगालिथिक एज जो है वो स्टैंडर्ड सिक्स की एन के अंदर मैंने करवाए हुए हैं सर ठीक है तो आप में से जो भी नए नए बच्चे हैं या जिनको एनसीआर का फाउंडेशन नहीं पता है तो स्टैंडर्ड सिक्स की एन को आप लिंकअप करिएगा तो आपको ये सब चैप्टर्स ज्यादा समझ में आएंगे सर सीखिए सिक्स हंड्रेड बी का जो पीरियड है उसके बाद हमारे पास काफी प्रोमिनेंट एविडेंसेस निकल के आए और 600 हंड्रेड के आसपास पूरी दुनिया का इतिहास बदल गया सर ठीक है अब क्यों बदलता है उसके पीछे की कहानी समझने की कोशिश करिए सर ठीक है तो कहानी ये है कि सिक्स हंड्रेड जो है यहां तक आते आते अब सोसाइटल चेंज आने की शुरुआत होती है इकोनॉमिक चेंज होने की शुरुआत होती है कल्चरल चेंज आने की शुरुआत हो जाएगी सर ठीक है इंटरेस्टिंगली वैदिक एज के अंदर जो लोग हैं खास करके जो अर्ली वैदिक सोसाइटी हुआ करती थी सर ठीक है ये अर्ली वैदिक सोसाइटी के अंतर्गत हमको देखने को मिलता है कि पेस्टोरल इकोनॉमी सबसे ज्यादा डोमिनेट करेगी पेस्टोरल इकोनॉमी का मतलब ये है दोस्तों कि पशुधन आधारित अर्थव्यवस्था चलती है मतलब बेसिकली आप देखोगे कैटल्स का रिलेटेड इनकी लाइफस्टाइल थी एग्रीकल्चर उतना डोमिनेटिंग नहीं कर रहा था सर ठीक है बट करीबन वन थाउजेंड तक का जो पीरियड आया लेटर वेदिक पीरियड तक का सर ठीक है इस पीरियड तक आते आते हमको पता चलता है कि आयरन मिलने की शुरुआत हो रही है सर ठीक है दूसरी है ये कि एग्रीकल्चर डेवलपमेंट हो रहा है सर ठीक है तीसरा हमको यहाँ पे देखने को मिलता है कि जो आर्य लोग थे वो गंगा यमुना वाले रीजन के अंदर अब सेटल होने की शुरुआत कर रहे हैं सर ठीक है ना सो वी सी दैट दिस सेटलमेंट पैटर्न चेंज पीपल आर लुकिंग फॉर आयरन पीपल आर एक्चुअली इन फोकसिंग ऑन एग्रीकल्चर सर ठीक है अर्ली वैदिक पीरियड के अंदर ये वैदिक एज की जो पूरी कहानी है उसको थोड़ा रिवाइज करवा रहा हूँ क्योंकि इस बुक में दिया नहीं है पर कंटेक्ट बनाने के लिए जरूरी है सर ठीक है ये वो पीरियड है जब काफी सारी चीजें इनफेक्ट डेवलप नहीं हो रही थी सर ठीक है तो अर्ली वैदिक पीरियड के अंदर तो आर्यन जो थे अगर आपको जानकारी होगी तो वो कहाँ पे रहते थे वो सप्त सिंधु वाले विस्तार में रहते थे सप्त सिंधु का मतलब क्या है सर ठीक है जो सिंधु नदी के आजू बाजू वाली जो कहा रिवर्स है खास करके आप देखोगे तो खूबा है काबुल नदी की बात की गई है या आप देखोगे वितस्ता है जेलम की बात की गई है बिपासा है बियास की बात की गई है सतुद्री है सतलज की बात की गई है सर ठीक है राबी आपको दिखने की अस्किनी सर है ना चेनाब की बात की जाएगी सर ठीक है तो इंडस झेलम राबी सतलज चेनाब सर ठीक है सरस्वती है इन सब नदी के आजू बाजू में आर्यंस रहते थे तो उस टाइम पे क्या है कि इनकी इकोनॉमी ज़्यादा डेवलप नहीं हुई थी करीबन सिक्स हंड्रेड बी सी तक आते आते जब ये आर्य लोग सेटल हो गए उन्होंने गंगा यमुना वाले विस्तार में सेटल किया यहाँ पे लोहा मिला यहां पे एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट हुआ तो इस पीरियड के समय पे क्या हो रहा है वी फाइंड कि काफी सारे कल्चरल डेवलपमेंट और इकोनॉमिक डेवलपमेंट होने की शुरुआत हुई सर ठीक है तो 600 से लेके 500 हंड्रेड तक का जो पीरियड है समझने की कोशिश करिए सर ठीक है ना 600 से लेके 500 हंड्रेड तक का जो पीरियड है ये पीरियड के समय पर सबसे बड़ा एक तो ट्रांसफॉर्मेशन आया वो है एग्रीकल्चर के अंदर सर ठीक है एग्रीकल्चर के अंदर क्या आता है कि यहाँ पे पेडी ट्रांसफॉर्मेशन की शुरुआत होती है पेडी ट्रांसप्लांटेशन सर ठीक है अब आप समझने की कोशिश करिए यहां पे सर ठीक है ना क्या हो रहा है वॉट इज हैपनिंग सर है ना ये जो वेदिक एज है दैट इज अराउंड 1500 से लेके 600 हंड्रेड बी तक का पीरियड इसमें एग्रीकल्चर बहुत रूडिमेंट्री फेज में हो रहा था खास करके लेटर वेदिक पीरियड के अंदर मैंने आपको बताया सर ठीक है ये वो पीरियड है जहां पे एग्रीकल्चर का उतना डेवलपमेंट नहीं था और जो भी खेती होती थी बहुत मिनिमम फेज के अंदर एग्रीकल्चर हो रही है ये जो 600 हंड्रेड है मतलब यहाँ पे जब महाजनपद बन रहे छोटे 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 राज्य बनने की शुरुआत होगी तो उसमें पैड़ी ट्रांसप्लांटेशन की इनफेक्ट डेवलपमेंट होने की शुरुआत होती है अब देखिए यहाँ से आपका क्वेश्चन आ जाएगा सर ठीक है यूपीएससी आपको पता है कि क्रोनोलॉजी बेस्ड क्वेश्चन बहुत पूछता है और जब क्रोनोलॉजी बेस्ड क्वेश्चन पूछता है तो एट टाइम्स काफी लोगों के गर्व हो जाता है कि प्रेडी ट्रांसप्लांटेशन अब ये टेक्निक क्या है सर ठीक है ना तो आपने देखा होगा कि चोखा मतलब चावल जो है उसको उगाने की एक टेक्निक है सर ठीक है और चावल इज अ वेरी वाटर इंटेंसिव क्रॉप है ना अगर आप देखोगे राइस जो है राइस बहुत वाटर इंटेंसिव है अभी पंजाब में आप देखोगे तो किसान ये वाटर इंटेंसिव क्रॉप के रूप में ये चावल का जब इनफेक्ट खेती करते हैं तो उससे काफी सारे इश्यूज भी होते हैं क्योंकि एक्सेसिव इरिगेशन या एक्सेसिव वाटर देने के कारण फिर आर्सेनिक कंटेंट बढ़ रहा है और बहुत सारे इश्यूज भी वहाँ पे हमको देखने को मिलेंगे सर ठीक है ना तो ये जो पैडी ट्रांसप्लांटेशन है यहाँ पे शुरू हो रहा है सर अब एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट हुआ सर गिंग पॉइंट ऑफ नॉट है ना तो आप समझने की कोशिश करिए क्या हो रहा है सर ठीक है फाइंड की द पीरियड फ्रॉम 600 हंड्रेड बी सी ऑनवर्ड द पीरियड फ्रॉम सिक्स हंड्रेड ऑनवर्ड सर ठीक है ना इज द पीरियड वेयर मल्टीपल चेंजेस टेकिंग प्लेस ठीक है बहुत सारे बदलाव हो रहे हैं आज मैं आपको ये टेबल ही समझाऊंगा सर ठीक है आप में से ज्यादातर लोगों को क्रोनोलॉजी ही समझ में नहीं आती इतिहास के अंदर कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है कहां बदलाव हो रहा है सर ठीक है तो पहला पॉइंट हमको पता चल रहा है कि एग्रीकल्चर चेंजेस होने की शुरुआत हो रही है किसकी चेंजेस हो रही है एग्रीकल्चर और हड़प ने क्या चावल की खेती की थी कि आर्य लोगों ने चावल की खेती की थी हड़पंस में चावल के एविडेंसिस बहुत मिनिमम दिखते हैं सर कहां पे दिखते हैं वी फाइंड एविडेंसिस ऑफ राइस इन लोथल एंड कालीबंगन उसके सिवा कहीं पे राइस के डायरेक्ट एविडेंसिस हमको नहीं मिलते हैं याद रखेगा सर ठीक है उसके सिवाय आप दूसरे प्लेसेस में चले जाए यू गो टू अदर प्लेसेज सर ठीक है वहां पर भी हमको क्या देखने को मिल रहा है वी सी द एग्रीकल्चर डेवलपमेंट इन दिक्स हंड्रेड बी सी ऑनवर्ड सर ठीक है उसमें पैड़ी का बहुत बड़ा रोल हो गया सर अब देखिए पैडी का ट्रांसप्लांटेशन होना मतलब एक जगह से दूसरी जगह पैडी को उगाना सर ठीक है इससे दो चीज़ें मिल रही थी एक तो वाटर अच्छी थी यहाँ पे अवेबिलिटी काफ़ी अच्छी थी सर ठीक है इसके कारण आपका जो यील्ड है ये भी काफ़ी अच्छा होगा और यील्ड जब अच्छा हो रहा है सर जब वाटर की अवेबिलिटी अच्छी है यील्ड अच्छा हो रहा है तो इस पीरियड के समय पे क्या डेवलपमेंट होगा आप समझने की कोशिश करोगे तो यू विल फाइंड कि आपके यहाँ पर प्रोडक्शन अच्छा होगा प्रोडक्शन अच्छा होगा तो अल्टीमेटली आपके यहाँ पे सरप्लस होगा सरप्लस होगा तो कहानी क्या चलती है वी फाइंड ट्रेड एंड कॉमर्स का डेवलपमेंट होगा याद करिए सर है ना वही पुरानी कहानी पूरे इतिहास के अंदर एक ही चीज में दोहराता रहूंगा बात बात के ऊपर सर ठीक है और व्यापार और वाणिज्य बढ़ता है तो उससे क्या होता है अर्बनाइजेशन होगा सर ठीक है, है ना तो ऑल दिस थिंग्स विल लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ द सेकेंड अर्बनाइजेशन सर ठीक है ऊपर से आपके पास आयरन टूल्स की अवेबिलिटी हो रही है आपके पास लोहे की एवेबिलिटी है सर ठीक है इस ये वो पीरियड है जहाँ पे आपके यहाँ पे वर्ण सिस्टम पूरी तरह से बदल रहा है सर ठीक है वर्ण व्यवस्था जो है उसके अंदर बदलाव आ रहा है तो इन सब कंडीशन के अंदर वी फाइंड कि दिस विल लीड टू अ प्रोसेस कॉल्ड एज दी अर्बनाइजेशन सर ठीक है तो 600 हंड्रेड की जो कहानी है 600 हंड्रेड की जो कहानी है दिस पीरियड इज नोन एज द सेकेंड अर्बनाइजेशन इन इंडिया आप याद करिए सर इंडस वैली सिविलाइजेशन को सर ठीक है ना ये चार्ट एन में ही दिया है इनफैक्ट ये बहुत क्रोनोलॉजिकल चार्ट दिया है बहुत अफलातून दिया है मैं इस चार्ट से ही आज पूरा क्लास को समझाऊंगा टर्न बाय टर्न हर एक क्रोनोलॉजी के अंदर क्या क्या चीजें लिखी गई है वो मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा सर ठीक है सो यू वट डू वी सी ओवर हियर वी फाइंड कि यहाँ पे ये जो अर्ली आयरन एज की शुरुआत हो रही है बहुत सारी चीजों का डेवलपमेंट हो रहा है हड़प्पन सिविलाइजेशन वॉज एन अर्बन सिविलाइजेशन बट अगेन सिक्स हंड्रेड बी सी तक आते आते जो चेंजेस हुए दिस विल लीड टू अर्बनाइजेशन अर्बनाइजेशन इन गंगा वैली पहला कहाँ हुआ था इंडस वैली के अंदर हुआ था पहला अर्बनाइजेशन कहाँ हुआ था इंडस वैली के अंदर हुआ था क्यों इंडस वैली के अंदर हुआ था क्योंकि वो हड़प्पन सिविलाइजेशन की पार्ट थी उसके करीबन हजार साल के बाद दूसरा अर्बनाइजेशन हो रहा है उसके पीछे के फैक्टर्स आप देखोगे सर ठीक है ये सेकंड अर्बनाइजेशन जब यहाँ पे हुआ सर ठीक है तो करीबन 16 महाजनपद बन के आए कितने बन के आए दोस्त 16 महाजनपद so बड़े, बड़े का फॉर्मेशन हुआ और इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रहा था तो पहली बार हमको क्या देखने को मिलता है पंच मार्क क्वेंट्स का डेवलपमेंट मिलता है याद करिए हमने एक प्रीवियस का क्वेश्चन देखा था सर ठीक है ना डे बिफोर यस्टरडे मतलब कल नौ तारीख था ना आठ तारीख को देखा था एट्थ ऑफ जुलाई को मैंने इंडस वैली सिविलाइजेशन के अंदर से एक प्रीविय क्वेश्चन कराया था ठीक है उसमें ये वर्ड का यूज किया गया था पंच मार्क कॉइन्स का उपयोग करना सर ठीक है ना याद करोगे तो आपको ऑटोमेटिकली चीजें कहानी के अंदर दिखेगी सर ठीक है तो कहानी क्या है सिक्स से लेकर फाइव हंड्रेड तक का जो पीरियड है दिस इज द पीरियड ऑफ फंडामेंटल चेंज ऑफ लाइफ ऑफ पीपल इन दिस पीरियड वी फाइंड एग्रीकल्चर प्लेस ट्रेड एंड कॉमर्स इज द पीरियड वेयर ऑलरेडी आयरन टूलप आयरन का यूज होने की शुरुआत हो रही है सर ठीक है तो आयरन का यूज होने की शुरुआत हो रही है आपके यहाँ एग्रीकल्चर चेंजेस हो रहा है वॉटर की एबिलिटी काफी अच्छी है व्यापार बड़ा छोटे मोटे किंगडम्स बनने की शुरुआत होती है और वहां से ही क्या बनते हैं महाजनपद बनने की शुरुआत होगी सर ठीक है ये जो महाजनपद बन रहे हैं उसमें 16 महाजनपद होंगे तभी इनफेक्ट शहरों की निर्माण होगी व्यापार को और पुश करने के लिए हर एक महाजनपद ने अपने अपने कॉइन्स इश्यू किए जैसे हम लोग कहते हैं पंचमार्क कॉइन्स ये सिल्वर के कॉइन्स हुआ करते थे दिस कॉइंस वर मेड ऑफ सिल्वर और ये सिल्वर के कॉइन्स बेसिकली पंच मार के बनाए जाते थे सर पंच मार के मतलब ये है समझ में आ रहा है आपको मोल्ड में लग के सेमी लिक्विड मेटल के ऊपर थोड़ा प्रेशर किया जाता था तो, तो एक साइड से जो है उसकी छाप उभर के आती थी सर ठीक है ना तो काइंड kind ऑफ of आप देखोगे तो प्रेशर मोल्डिंग की टेक्निक हम लोग कहते हैं फाउंड्री के अंदर आपने ये मेटलर्जी का थोड़ा बहुत पढ़ा होगा तो उसके अंदर आपको जानकारी होगी सर ठीक है तो इन सब पीरियड को हम लोग यहां से देखने की कोशिश करेंगे सर गेडिंग पॉइंट है ना तो अभी हम लोग सिक्स से लेके फाइव हंड्रेड सी तक का पीरियड देख रहे हैं क्योंकि ये जो चैप्टर है ये चैप्टर आपका कहाँ से डील कर रहा है दिस चैप्टर डील्स विद 600 बीसी टू 600 सीई मतलब 1200 साल का इतिहास मैं आपको पढ़ाऊंगा और एक-एक करके ये जो चैप्टर के पैराग्राफ में जो दीजे दी है उसको हाईलाइट करके पढ़ाऊंगा सर ठीक है ना आप में से ज्यादातर बच्चों के साथ ये होता है कि ये चैप्टर को थीमेटिकली नहीं समझ पाते क्योंकि उनको क्रोनोलॉजी ही नहीं पता है ये चैप्टर में उड़ा दिया है। पूरा उसमें भी इनफैक्ट आप देखने की कोशिश करोगे तो आपको जो कहानी दी गई है वो कहानी लिंकअप ही समझ में नहीं आती है कि कहना क्या चाहता है क्योंकि ये जो चार्ट है ये चार्ट चैप्टर के एंड में दिया है वेर एस दिस चार्ट गिवन इन द अर्ली पार्ट ऑफ द चैप्टर

ये क्वेश्चन ये जो लाइन है ना यहां से दो तीन बार क्वेश्चन आ चुका यही लाइन को गोल गोल घुमा के यहां से एक्सट्रैक्ट करके यूपीएससी ने क्वेश्चन निकाला है, ठीक है आज हम लोग फोकस करेंगे कि ये इनफैक्ट कैसे डेवलप हुए और इनके बारे में हमको किसने बताया ठीक है ओवर पीरियड ऑफ टाइम ये सोलह महाजन पद होंगे उसमें से एक राज्य उभर के आएगा जिसका नाम है मगध सर सो आउट ऑफ दिक्कस महाजन पद वी फाइंड

उसको यूपीएससी मतलब एनसीईआरटी वाले चैप्टर्स के अंदर उन्होंने इंक्लूड नहीं किया है क्योंकि वेरी केज स्टैंडर्ड सिक्स के एनसीईआरटी में दिया हुआ given, given, NCRT, में है दिस पार्ट इज बिट पार्ट इज स्टैंडर्ड सिक्स एनसीईआरटी बट वेरी केज में क्वेश्चन पूछे वो थोड़े काफी भारी प्रकार के क्वेश्चन तो तमिलनाडु की बुक में दिया है अगर आपको भी दिखेज ऐसे ही पढ़ना है सेल्फ स्टडी के लिए आपको लगता है क्योंकि अभी मैं एनसीईआरटी करा रहा हूं तो मुझे उसकी वो क्या है उसकी क्रोनोलॉजी नहीं तोड़नी है क्योंकि उसकी क्रोनोलॉजी तोड़ूंगा तो फिर और चीजें उभर के आ जाएगी सर ठीक है ना खैर चलिए वापिस आ जाते हैं लेट मी कम बैक टू दिस पॉइंट एंड लेट मी एक्सप्लेन यू की कहानी क्या चलती है सर ठीक है ना कहानी ये चलती है कि पीरियड फ्रॉम सिक्स हंड्रेड बी सी ऑनवर्ड्स सिक्स हंड्रेड बी सी ऑनवर्ड्स ठीक है ना पीरियड फ्रॉम सिक्स हंड्रेड बी सी ऑन इज वेरी सिग्निफिकेंट फॉर अस क्योंकि दिस इज द पीरियड वेर वी सी द फॉर्मेशन ऑफ सिटी स्टेट्स इन इंडिया दिस इज द पीरियड वेर वी सी द अर्बनाइजेशन इन इंडिया एंड देन वी फाइंड अल्टीमेटली द डेवलपमेंट ऑफ द एम्पायर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जो करीबन मोरियस तक आते आके बनेगा सर ठीक है अब हमको कैसे पता चला कि इतना सारा बदलाव हुआ हाउ वी केम टू नो दैट द सिटी स्टेट्स वर परफॉर्म हाउ वी केम टू नो अबाउट द डेवलपमेंट ऑफ द एम्पायर हाउ वी केम टू नो दैट द सेकेंड अर्बेनाइजेशन वॉज टेकिंग प्लेस एट दैट टाइम सर ठीक है सो सिक्स हंड्रेड बी सी का जो पीरियड है उसमें हमारे पास बहुत सारे सोर्स अवेलेबल हो जाते हैं ठीक है द पीरियड फ्रॉम सिक्स हंड्रेड बी सी इज वेरी इंटरेस्टिंग क्योंकि यहाँ पे हमारे पास दोनों प्रकार के सोर्सेस अवेलेबल है कुछ कुछ सोर्सेज आप लिटरेचर के रूप में अवेलेबल है कुछ कुछ हमारे पास आर्कियोलॉजी के रूप में अवेलेबल है लिटरेचर के अंदर वैदिक लिटरेचर बुद्धिज्म का डेवलपमेंट होना बुद्धिस्ट लिटरेचर जैनिज्म का डेवलपमेंट होना जैन लिटरेचर सर ठीक है सो वी फाइंड मल्टीपल लिटरेचर एट दैट टाइम जो इस टाइम पे हम लोग को काफी सारे एविडेंसेस दे रहा है कि ऐसा हुआ होगा ऐसा हुआ होगा ये कंडीशन हुई है सर ठीक है ना दूसरा हमारे पास इंस्क्रिप्शन अवेलेबल है अब ये है इंस्क्रिप्शन अब पहला क्लास याद करिए जब मैंने ये सीरीज को शुरू किया था उसमें एक टॉपिक को पढ़ाया था सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री के अंदर इंस्क्रिप्शन क्या होते हैं पहला तो आपको ये प्रश्न आना चाहिए सर ठीक है और इंस्क्रिप्शन का इंपॉर्टेंस क्या है सर ठीक है सो so, इंस्क्रिप्शन के बारे में एनसीआर हमको बताता है कि द पीरियड फ्रॉम सिक्स हंड्रेड बी पीरियड फ्रॉम सिक्स हंड्रेड बी सी ये चार्ट में थोड़ी थोड़ी देर पर लाता रहूंगा सर ठीक है ना प्लीज 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 मेक एंड एक्लेमेटाइज और लाइक नो सेट योर द चार्ट सर है ना क्योंकि ये चार्ट को नहीं समझा तो लाइफ जिंगल आला हो जाएगी ये चार्ट ही है जो आपको क्रोनोलॉजिकल डेवलपमेंट दे रहा है एनसीआरटी समझने के लिए सर ठीक है ये अगर चार्ट नहीं समझ रहे हो तो फिर इश्यू ये होगा कि आप आगे के टॉपिक्स को नहीं समझ पाओगे आज हम लोग ये 600 हंड्रेड वाला टॉपिक पढ़ रहे हैं वी आर स्टडिंग द पीरियड फ्रॉम 600 हंड्रेड बी सी ऑनवर्ड सर ठीक है कल हम लोग आगे जाएंगे मोरियस में जाएंगे फिर और पोस्ट मोरियर में गुप्ताज में जाएंगे इस तरह से चलते 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 तो काफी सारी डेवलपमेंट और फिर इसके अंदर के प्रीवियस के क्वेश्चन भी करवाऊंगा सर ठीक है ना आप में से जो जो लोगों को लगता है ना कि प्रीवियस के क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते एनसीआर से तो उनके लिए थोड़ा मसाला भी देना है ना मुझे सर अभी आपको है ना तो पिक्चर तो अभी बाकी है एनसीआरटी तो हम लोग यहाँ से ही करेंगे अब काफी बच्चे कमेंट करते हैं कि सर इससे अच्छा हम लोग सेल्फ स्टडी कर दें तो हमने कहा, कहा मना किया सेल्फ स्टडी करने के लिए सेल्फ स्टडी तो करनी है सर ठीक है देखिए आप जो पूर्वाग्रह बांध के आए हो मतलब क्या कहते हैं प्रिजुडाइस आप जो प्रिजुडाइस बांध के आए हो कि एनसीईआरटी को मतलब चार पेज की एनसीईआरटी पढ़ लेंगे उसको आप लेक्चर के साथ कभी कंपेयर करके देखोगे ना तो दैट विल बी एट पार विवर लेक्चर जहां आप डेढ़ दो लाख रुपए कोचिंग में फीस बर्बाद करके आते हो ना उससे भी ज्यादा यहां एनरिचमेंट मिलेगा मैं आपको गलत नहीं कह रहा हूं द प्लेस दैट यू एक्चुअली स्पेंड वन लैख टू लैख रुपीज ठीक है ना ऑफलाइन इंस्टीट्यूट में बहुत बार आपको देखने को मिलेगा फीस भी काफी हाई होती है उसके सामने यहां भी यूट्यूब के ऊपर ही करवा रहा हूं और अगर आप मेरा सब्सक्रिप्शन भी लोगे लोगेडमी के ऊपर तो दैट इज ऑल्सो अराउंड फोर्टी फोर्टी नाइन थाउजेंड रुपीज फॉर जी एस एंड ऑप्शनल बोथ जी एस और ऑप्शनल पूरा आ जाता है पचास हजार रुपये के अंदर सर ठीक है तो उससे ज्यादा uh, क्या चीज़ आपको चाहिए सर है ना वॉट एल्स यू वॉन्ट की आप सब्सक्रिप्शन ना लो सर ठीक है ना तो खैर जो भी है इवन आप यूट्यूब पे भी पढ़ो तो भी बहुत हो जाएगा सर यूट्यूब पे पढ़ के फिर रेफरेंस बुक को पढ़िएगा रामचरण शर्मा की किताब पढ़िएगा आर एस शर्मा साहब की किताब है ना उसको पढ़िएगा तो आपको मज़ा आएगी आपको लिंकेजेस बैठेगी सर है ना तो ये क्लासेस को फाउंडेशन के रूप में लीजिए और इसको देखिए कि इसकी डायरेक्शन कहाँ जा रही है यहाँ रीडिंग बिटवीन द लाइंस हो रही है टॉपिक का एनरिचमेंट हो रहा है और एक नया डायमेंशन मिल रहा है हिस्ट्री में दैट इज मोर देन एनअ सर है ना तो ये आपको ये फ्री प्लेटफॉर्म के ऊपर इतनी सारी चीज़ें शेयर कर रहा हूँ मैं और क्रोनोलॉजिकली तोड़ताड़ के वो इनफैक्ट है ना आप कहीं पे और चाहे देख लीजिए यू विल नॉट गेट दिस काइंड ऑफ क्वालिटी सर है ना और मैं यहाँ ब्लैबर नहीं कर रहा हूँ सर आई नो वॉट आई एम टीचिंग एंड देट वॉज द रीजन मैंने उस दिन इंडस वैली सिविलाइजेशन के अंदर आपको बताया था कि भाई साहब जो कमेंट करने वाले लड़के हैं या जो भी बच्चे हैं सर है ना वो भटकने भटक, भटक गए बेचारे उनके ऊपर मुझे दुख होता है कि दे हैव एक्चुअली लॉस द डायरेक्शन उनको ऐसा लगता है कि यहाँ टाइम पास चीजें हो रही है सर ठीक है टाइम पास वाली नहीं होती है खैर चलिए वापिस आते हैं सर ठीक है ये वो पीरियड है 600 हंड्रेड बीसी का जहां पे हमको बहुत सारे सोर्सेस मिले ये सोर्सेज में हमको इंस्क्रिप्शन मिले हैं सर इंस्क्रिप्शन है ना समझ में आया आपको सर ठीक है तो इसे अभिलेख कहते हैं आप देखोगे किताबों के अंदर शिलालेख अभिलेख पत्थरों के ऊपर लिखे जाते हैं सर ठीक है सो इंस्क्रिप्शन आर राइटिंग हार्ड सर्फिस सच एज स्टोन मेटल पॉटरी कहीं पे भी आप लिख दोगे सर ठीक है ना उसको एंग्रेव किया जाता है उसको काट के थोड़ा लगाया जाता है ठीक है दे यूजअली रिकॉर्ड द अचीवमेंट्स एक्टिविटीज एंड आइडियाज ऑफ दोस वर्ड कमीशन दैम एंड इंक्लूड एक्सप्लोर्ट ऑफ द किंगस और डोनेशन मेड बाय वुमेन और मैन टू द रिलीजियस इंस्टीट्यूशन सर है ना तो राजा का इतिहास लिखा गया है राजा ने कोई चैरिटी की है वो लिखी गई है सर ठीक है इंस्क्रिप्शन सर वर्चुअली परमिनेंट रिकॉर्ड्स एंड सम ऑफ विच कैरी डेट्स एज वेल इंस्क्रिप्शन का फायदा यह है कि इसमें तारीखें भी मिलती है जैसे आप शोक के बारे में देखोगे सर ठीक है ना सो यू विल फाइंड की जब मोरियम पीरियड की शुरुआत होगी यहाँ पे मोरियस की शुरुआत होगी तो इसमें आपको बहुत सारे इंस्क्रिप्शन दिखेंगे अशोक ने बहुत सारे शिलेख बनाए सर ठीक है तो ये पीरियड के अंदर हमको काफी सारी चीजें मिलती है सर गेटिंग अंट

एंड बाय 500 हंड्रेड सी इट वॉज रिटर्न लाइक दिस समझे समझे कि नहीं ना गामा कर दिया उसने सर ठीक है उल्टा गामा कर दिया समझे नहीं तो उल्टा के उल्टा गामा कर दिया इन्होंने सर ठीक है गेडीमा पॉइंट है ना तो भारत में हमको बहुत सारे इंस्क्रिप्शन मिले हैं ये पीरियड के अंदर सर ठीक है खास करके अगर आप समझने की कोशिश करोगे तो हमको प्राकृत लैंग्वेज के अंदर काफी सारे इंस्क्रिप्शन मिलते हैं याद रखेगा सर ठीक है वी ऑल्सो फाइंड द नेम ऑफ द किंग्स आर किंगल्सो रिटन इन द इंस्क्रिप्शन सर ठीक है शत्रु अशोक जैसे राजाओं के नाम भी हमको इंस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएंगे सर ठीक है गेडिंग अपॉइंट नॉट है ना वी ऑल्सो फाइंड कि यहाँ पे हमको पाली संस्कृत और तमिल लैंग्वेज के बारे में भी नॉलेज मिलता है ये इंस्क्रिप्शन को स्टडी करने के बाद सर ठीक है और हो सकता है कि ये इंस्क्रिप्शन का बेसिस जब हम लोग स्टडी करते हैं तो वी कम टू नो कि लोग अलग अलग भाषा बोलते थे और इसके अंदर पॉलिटिकल हिस्ट्री इसके अंदर कल्चरल हिस्ट्री इसके अंदर हम लोग कह सकते हैं कि इकोनॉमिक कंडीशन एक चीजों के बारे में जानकारी मिलेगी सर ठीक है ना सोसाइटी हर एक चीजों के बारे में हमको पता चलता है सर ठीक है रिलीजन एवरी थिंग इज इंक्लूडेड इन द इंस्क्रिप्शन सर है ना तो ये जो 600 हंड्रेड बी सी का जो पीरियड है वहां हमको बहुत सारे इंस्क्रिप्शन मिले हैं तो जब ये चैप्टर को मैं आपको आगे लेके जाऊंगा तो एल बी डिस्कसिंग कि क्या क्या डेवलपमेंट हुआ और किस किस तरह से इंस्क्रिप्शन का हमने जब स्टडी किया तो वी गॉट मल्टीपल थिंग्स सर गेटिंग अ पॉइंट समझे कि नहीं समझे है ना तो ये चैप्टर की शुरुआत यहाँ से शुरू होगी सर ठीक है कि जब हड़प्पन पीरियड का डिक्लाइन हुआ तो फॉर द नेक्स्ट 1000 थाउजेंड ईयर्स मतलब करीबन हजार से 1500 साल तक आते आते इनफैक्ट बहुत सारे डेवलपमेंट होने की शुरुआत होती है ठीक है ये वो पीरियड था जहां पे ऋग्वेद का निर्माण हुआ मैंने आपको बताया वेदिक एज का डेवलपमेंट होगा सर और इस पीरियड के समय पे इनफेक्ट काफी सारी चीजों का एक्सपांशन होने की शुरुआत होती है वी ऑल्सो फाइंड कि ये वो पीरियड है जब एग्रीकल्चर सेटलमेंट्स का डेवलपमेंट हुआ सर ठीक है तो बहुत सारे विस्तारों के अंदर आप देखोगे नॉर्थ के अंदर साउथ के अंदर कर्नाटका के अंदर भी डेवलपमेंट होता है वी ऑल्सो फाइंड द एविडेंस ऑफ पेस्टोरल पॉपुलेशन पेस्टोरल पॉपुलेशन का मतलब क्या है कि जो पशुधन आधारित अपना जीवन चलते हैं गायों भैंसों को चराने का काम करते हैं उनका भी आपको डेवलपमेंट मिलता है ये वो पीरियड है जहां पे जो डेड बॉडीज को डिस्पोज करने का एक नया तरीका देखने को मिलता है एंड वी ऑल्सो फाइंड इन सब कंडीशंस के अंतर्गत एक नया डेवलपमेंट दिखता है जिसे हम लोग कहते हैं द मेगालिथ पीरियड सर है ना मेगालिथ पीरियड के बारे में मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया या अगर आप इनफैक्ट ये क्रोनोलॉजी को याद करोगे तो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा सर ठीक है ना सो वी सी दैट ये जो मेगालिथ पीरियड है जहाँ पे डेड बॉडीज को पत्थरों के नीचे दफनाया जाता था सो पोस्ट हरप्पन ये हरप्पा के बाद का जो पीरियड है वहां पे आपको इन सब का डेवलपमेंट दिखेगा तो जब हड़प्पन पीरियड का डिक्लाइन हुआ 2600 के बाद धीरे 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 तो फिर आपकी ऋग्वेद की शुरुआत होगी नीचे मेगालिथिक एज होगा मेगालिथिक एज मैंने स्टैंडर्ड सिक्स की एनसीईआरटी में पढ़ाया हुआ है सर ठीक है ना तो उसके वेरी केज का के एक बार एक चैप्टर है उसमें देख लीजिएगा आप लोग आई एम नॉट एबल टू रिकॉल द एग्जैक्ट चैप्टर नंबर बट आई हैव ऑलरेडी टॉट यू इन द स्टैंडर्ड सिक्स एंसियार्टी सर है ना तो उसमें से आप देखोगे तो आपको ज़्यादा ठीक मिलेगा खैर लेट मी कम बैक टू दिस पॉइंट है ना कहाँ की क्या क्या चीज़ें बोली गई है वापिस आ जाता है सर ठीक है ना सो so, बहुत सारी चीज़ें हमको यहाँ पे दिखेगी इनफैक्ट ये वो टाइम था जब बहुत सारे लोगों को अलग अलग प्रकार के आयरन टूल्स के साथ भी दफनाया जाता था है ना तो ये मेगालिथिक एज है नीचे साउथ के अंदर आपको कर्नाटका वाले रीजन के अंदर दिखेगी सर है ना कर्नाटका से लेके आप नीचे तमिलनाडु वाले रीजन में जाओगे तो वहाँ पे आपको ये मेगालिथिक पीरियड का डेवलपमेंट दिखता है और ये वो टाइम था जब हमको यह देखने को भी मिल रहा था कि डेड बॉडीज का जो बरियल है वो हड़प्पन से थोड़ा अलग प्रकार से होने की शुरुआत हुई क्योंकि पीरियड बदल गया था हालात बदल गए थे जज्बात बदल गए थे सर ठीक है ना तो मेगालिथिक पीरियड आपको कहां पे दिखता है वेर डू वी सी द मेगालिथिक पीरियड ऑन द क्रोनोलॉजी सर ठीक है तो एनसीईआरटी में ये जो मेगालिथिक पीरियड दिया है वो आपको यहां कहीं पे दिखेगा सर ठीक है ना मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ये जो लेटर लेटरवेदिक पीरियड है ना वन थाउजेंड बीसी के आसपास का पीरियड उसी के कंटेम्प्री पीरियड में पैरेलल टू दैट वी फाइंड द मेगािथिक एज इन साउथ इंडिया याद रखेगा मेगािथिक एज इन साउथ इंडिया सर साउथ इंडिया के अंदर दक्षिण भारत के अंदर नॉर्थ में नहीं मिलता है नॉर्थ में तो वैदिक पीरियड ही आपको देखने को मिलेगा सर ठीक है ना सो प्लीज डू रिमेम्बर दिस पीरियड ये पीरियड को भी याद रखेगा कि यह मेगािथिक का इंपोर्टेंस क्या है और किस तरह से डेवलप हो रहा है सर गेडिंग ऑफ पॉइंट है ना तो बहुत सारी चीजें हमको यहाँ पे देखने को मिली 1000 थाउजेंड बीसी वन से और डेवलपमेंट होता है और उसके बाद यहाँ पे हाईलाइट करते हुए ये चैप्टर हाईलाइट करता है कि फ्रॉम सिक्स सेंचुरी बीसी देर इज एविडेंस दैट देर वर अदर ट्रेंड्स वेल पर इमरजेंस ऑफ द अर्ली स्टेट्स एम्पायर एंड किंगडम्स अब आप देखने की कोशिश करोगे तो तीन शब्द डाले हैं सर ठीक है ना अर्ली स्टेट्स एम्पायर एंड किंगडम देर आर थ्री वर्ड्स दैट आर हाईलाइटेड सर अर्ली स्टेट्स का मतलब है प्रारंभिक राज्य ये छोटी स्मॉल पॉलिटिकल यूनिट्स हुआ करती थी सर ठीक है उसके बाद आप देखोगे तो किंगडम्स बनने की शुरुआत होती है वो मीडियम साइज आपके बड़े बड़े राजाओं का डेवलपमेंट दिखेगा और एम्पायर का मतलब होता है मेक इट लार्ज सर ठीक है ना तो पहले छोटे राज्य बने फिर छोटे छोटे किंगडम बनने की शुरुआत हुई राजा ने अपना साम्राज्य विस्तरण करने की शुरुआत की एंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जब एक राजा बलवान हो गया या एक डायनेस्टी बलवान हो गई या एक साम्राज्य एक राज्य बलवान हो गया तो इट क्रिएटेड टू इट टू द फॉर्मेशन ऑफ द किंगडम सर ठीक है ना तो इन सब कंडीशन के अंदर हमको ये देखने को मिल रहा है कि सिक्स हंड्रेड ऑनवर्ड से सिक्स हंड्रेड ऑनवर्ड से भारत का इतिहास बदल रहा है ये इतिहास में पॉलिटिकल प्रोसेस बहुत बड़ी मात्रा में चेंजेस लेके आ रहे थे वी विल फाइंड लार्ज स्केल पॉलिटिकल डेवलपमेंट वर टेकिंग प्लेस ये वो पीरियड है जब हमको ये भी देखने को मिल रहा है कि इंडिया में एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट हो रहा है सो वी फाइंड द एग्रीकल्चर प्रोडक्शन वॉज ऑल्सो टेकिंग प्लेस जहाँ पे मैंने आपको बताया क्या हो रहा है पैड़ी ट्रांसप्लांटेशन हो रहा है सर क्या हो रहा है पेडी ट्रांसप्लांटेशन सर ठीक है, है ना सो वी फाइंड द पेडी ट्रांसप्लांटेशन इज टेकिंग प्लेस साइमल्टेनियसली जहाँ चौखे को मतलब चावल को उगाने की जो टेक्निक है वो अब बदल दी जाती है सर ठीक है ये वो टाइम है जब हमको देखने को मिल रहा है कि नए टाउन्स भी बन रहे हैं नए टाउन्स का मतलब ये है कि न्यू न्यू सिटीज़ आर कमिंग अप सर ठीक है तो ये मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताने की कोशिश की कि जब हम लोग इंडिया के अंदर बात करेंगे सिक्स हंड्रेड का पीरियड ये पीरियड के अंदर काफ़ी सारे फंडामेंटल चेंजेस भी मिल जाते हैं सर ठीक है ना तो ये जो फंडामेंटल चेंजेस हमको यहाँ पे मिले हैं जहाँ बहुत सारी चीज़ों का डेवलपमेंट हो रहा है एंड ओवर पीरियड ऑफ टाइम बी सी कि जो डेवलपमेंट हुए उसको समझने के लिए हिस्टोरियंस ने अलग अलग प्रकार के सोर्सेज देखे ये सोर्सेज में आप पकड़ने की कोशिश करोगे तो इंस्क्रिप्शन को देखा लिटरेचर को देखा कॉइन्स को देखा और विजुअल मटेरियल पेंटिंग को भी हमको देखा हमने पेंटिंग देखे हमने कॉइंस देखे हमने और भी इनफैक्ट देखोगे तो इंस्क्रिप्शन देखे हमने लिटरेचर को देखा इन सब का मिक्सचर करके ये पूरे के पूरी जो पीरियड है द पीरियड फ्रॉम 600 हंड्रेड बी सी ऑनवर्ड्स उसको हमने इनफैक्ट है ना यहाँ पे पूरा रिकम्पोज करवाने की कोशिश की है सर गेटिंग अ पॉइंट नॉट है ना तो आप याद रखिएगा ये चीज को कि भारत के अंदर द पीरियड आफ्टर हड़प्पन सिविलाइजेशन वॉज अ वेरी आई वुड से चेंजिंग पीरियड और हड़प्पा के बाद ऐसे तो केज आया केज के कंटेम्प्रेरी में, में मेगालिथिक पीरियड आया मेगालिथिक पीरियड के अंतर्गत हमने आपको बताने की कोशिश की कि यहाँ पे जो बरियल टेक्निक्स है बरियल टेक्निक्स का मतलब ये है ये लोगों को दफनाने की जो टेक्निक है वो पूरी तरह से बदल दी जाती है और लोगों को दफनाने की टेक्निक के अंतर्गत हमको क्या देखने को मिल रहा है लार्ज बोल्डर्स दिखेंगे बड़े बड़े बोल्डर्स दिखेंगे और बड़े बोल्डर्स के ऊपर लोगों को दफना दिया जाता था मतलब डेड बॉडी को उसके नीचे रखा जाता था बड़े बड़े पत्थर के नीचे से ठीक है इसके लिए उसका नाम ही रखा है मेगालिथिक ये वो पीरियड था जब लोहे का डेवलपमेंट हो गया था आयरन मिलने की शुरुआत होती है हड़प्पन एज जो है वो कैसा है ब्रॉन्ज एज है याद रखेगा दिस इज नोन एज ब्रॉन्ज एज जैसे ये है ना स्टोन एज आपका पैलियोलिथिक मिसोलिथिक नियोलिथिक सर ठीक है इसको ब्रॉन्ज एज कहते हैं सर ठीक है वेरिक एज के बाद ये जो महाजन पद का जो पीरियड है यहां तक आते आते आयरन एज की शुरुआत होती है सर ठीक है ना तो आप देखने की कोशिश करोगे तो पहले स्टोन एज है स्टोन एज के अंदर फिर आपका कॉपर एज आएगा जब चेल्कोलिथिक पीरियड आएगा सर चेल्कोलिथिक के बाद ब्रॉन्ज एज और ब्रॉन्ज एज के बाद आपको आयरन एज दिखेगा सर ठीक है ना तो ऐसे फेस बाय फेस आपको चीजें दिखती है यू री फाइंड थिंग्स गेटिंग डेवलप इन अ फेज़ बाई फेज बैनर सर ठीक है और ये जो फेज़ बाई फेस बैनर की हम लोग जब बात करेंगे तो उसमें जो पोस्ट हड़प्पन पीरियड है उसमें वेरिकेज और वेरी केज के डिक्लाइन तक आते आते मेगालिथिक एज साउथ इंडिया के अंदर दिखेगी जहाँ पे बरियल्स हो कहाँ पर लार्ज बोल्डर्स के ऊपर दफनाया जाता था और इसी को ही मेगालिथिक पीरियड कहते हैं सर ठीक है ना तो मेगालिथिक के अंदर मैंने आपको ऑलरेडी थोड़ी बहुत चीज़ें बता दी बाकी वेरीकेज की जो कहानी है उसके ऊपर तो अलग से दो तीन चार घंटा पढ़ाएंगे जब तमिलनाडु की टेक्स्ट बुक को आपको करा दूंगा सर ठीक है ना तो तमिलनाडु की टेक्स्ट बुक में आपको और जब की को तो we'll well. so, मैं आपको बता रहा था कि क्या डेवलपमेंट हुआ और किस तरह से चीजें बनती है और किन किन डेवलपमेंट के बेसिस के ऊपर यहाँ पे चेंजेस आने की शुरुआत हो जाएगी सर ठीक है तो याद रखेगा

ये इनफैक्ट डेवलपमेंट होते होते क्या बन जाएंगे महाजनपद गेडिमा पॉइंट समझ में आया आपको तो ये जो सोलह राज्य हैं ये सोलह राज्य बनते हैं और ये महाजनपद के अंदर से उसके बाद क्या बनेगा एम्पायर बनेगा एम्पायर का मतलब है फिर साम्राज्य निर्माण होने की शुरुआत होगी सर ठीक है एम्पायर काफी बाद में बनता है जब मोरियस पावर के ऊपर आएंगे सर गेडिमा पॉइंट है ना समझ में आया कि नहीं आया आपको तो ये पॉइंट आपको समझ में आ गया यू गॉट दिस मच पॉइंट कि क्या क्या चीजें हैं किस तरह से स्टेट फॉर्मेशन हो रहा है और हड़प्पा के अंतर्गत इनफैक्ट जो जो चीज़ें नहीं हो रही थी वो सब आपको यहाँ पे दिख जाएगी चलिए अब आगे चलते हैं अब देखते हैं कि ये पूरा का पूरा प्रोसेस जो है ये कितना कॉम्प्लिकेटेड था और हमको कैसे जानकारी मिली कि एम्पायर फॉर्मेशन हुआ किस तरह से हमको नॉलेज मिला कि इनफैक्ट ये 600 हंड्रेड बी ऑनवर्ड से चीज़ें बदल रही है किस तरह से इन्फेक्ट है ना जो एम्पायर फॉर्मेशन है उस, उसका इन्फेक्ट है ना ओरिजिन होने की शुरुआत होती है सर गेटिंग पॉइंट तो सिक्स हंड्रेड बी सी के आसपास की कहानी ये है कि लोगों को वेदिक एज के बारे में पता था एक्चुअली होता क्या है कि ये जो 600 हंड्रेड बी का जो पीरियड है ना जहाँ पे महाजन पद का निर्माण हो रहा था कहा गया सर हाँ ये रहा सिक्स हंड्रेड के आसपास जब महाजन पद का निर्माण हो रहा था यही पीरियड के कंटेम्प्रेरी में आप समझने की कोशिश करोगे समवेयर ओवर हियर 600 हंड्रेड बी के बाद आप देखो तो इसी के कंटेम्प्रेरी में आपको दो और फिलोसफिकल डेवलपमेंट दिखेंगे सर ठीक है एक दिखता है बुद्धिज्म का यू माइट बी अवेयर अबाउट द बुद्धिज्म गेटिंग डेवलप और दूसरा आपको दिखेगा जैनिज्म का सर गेटिंग अ पॉइंट समझ में आ रहा है आपको सो सिक्स हंड्रेड बी ऑनवर्ड्स का जो पीरियड है काफी इंटरेस्टिंग है क्योंकि इस पीरियड में बहुत सारे बदलाव हो रहे हैं मतलब हालात बदल रहे जज्बात बदल रहे सब कुछ बदल रहा है सर सारी भाषा में आप देखोगे एवरीथिंग इज गेटिंग चेंज ऑट दैट पीरियड तो होगा ये कि 600 हंड्रेड के बाद का जो ट्रांजिशन पीरियड में देखो 5 568 के आसपास बुद्ध का जन्म हुआ और 540 फोर्टी के आसपास महावीर का जन्म हुआ तो फिर वहां से इनका भी डेवलपमेंट होने की शुरुआत हो जाएगी सर है ना बहुत सारी चीज़ें बदल रही है सर अब कहानी ये है कि जो ब्रिटिश हिस्टोरियंस थे ना उनको इन सब पीरियड के बारे में कैसे जानकारी मिली और ब्रिटिश हिस्टोरियंस ने कैसे उसको हाईलाइट किया कि यहां पे हमको इसके ऊपर फोकस करना है तो मैंने आपको पिछले क्लासेस को याद करी है, वो है आर्कियोलॉजी सर ठीक है और मैंने आपको बताया था कि भारत में जब ब्रिटिश साम्राज्य का डेवलपमेंट हो रहा था और भारत के अंदर जो ब्रिटिश हुक्मरान थे ब्रिटिश ऑफिशियल्स थे इनको इंडिया की हिस्ट्री इंडिया की सोसाइटी इंडिया के कल्चर में बहुत इंटरेस्ट था पहले से द ब्रिटिशर्स हैड ग्रेट इंटरेस्ट इन द इंडियन हिस्ट्री इंडियन आर्कियोलॉजी इंडियन सोसाइटी इंडियन कल्चर सर ठीक है ना हमने पढ़ा था ना पिछले क्लास में तो कहानी ये चलती है कि वे द ब्रिटिश स्टार्टेड रूलिंग ओवर अस दे ऑलवेज स्टार्टेड रिसर्चिंग ऑन इंडिया अब जैसे अलेक्जेंडर कनिंगहम के बारे में हमने देखा था पिछले क्लास के अंदर सर और मैंने आपको बताया था अलेक्जेंडर कनिंगहम के बारे में कि ही द वन जिसने आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की शुरुआत की थी कनिंगहम हेम एक्चुअली वॉन्टेड रिसर्च ऑन बुद्धिज्म एंड जनिज्म खास करके बुद्धिज़म के ऊपर क्योंकि उस टाइम पे ह्यू एन सान फाहियन के बारे में उसको नॉलेज था और यू एन संग फाही जैसे लोग चाइना से आके भारत के बारे में लिख के गए थे है ना तो हमने पिछले क्लासेस के अंदर थोड़ा बहुत आपको इसके बारे में बताया भी था कि क्या क्या चीजें ये जो फॉरेन ट्रैवलर्स इंडिया के बाहर से आए थे वो इंडिया के बारे में बता के गए थे सर ठीक है ना तो कुछ कुछ अंग्रेज इतिहासकारों को काफी इंटरेस्ट था उसके बारे में कि हम लोग उसका रिसर्च करें सर ठीक है बट पता नहीं चलता था कि रिसर्च को कैसे फोकस किया जाए सर ठीक है तो इनिशियली इनका जो हिस्ट्रिकल बेसिस था वो लिटरेचर के ऊपर था लिटरेचर का मतलब है कि साहित्य के आधारित ही इतिहास लेखन करना होता यह है कि एटीन तक आते आते 1800 के बाद का जो पीरियड आया वहाँ तक आते आते ब्रिटिशर्स ने और भी रिसर्च किए सर ये पीरियड में इंस्क्रिप्शन के ऊपर भी बहुत फोकस किया गया इनफैक्ट भारत में अंग्रेज लोग ये पूरी की पूरी क्रोनोलॉजिकल टाइमलाइन जो बनाते हैं ये जो टाइमलाइन हम लोग देख रहे हैं ये ब्रिटिश हिस्टोरियंस के द्वारा बनाई गई है इसके पीछे एक बहुत बड़ा आपको फिलोसफिकल बेसिस दिखेगा और वो फिलोसफिकल बेसिस है कि इंडिया की हिस्टोरिकल टाइम जो मैं अभी आपको पढ़ा रहा हूं उसका फाउंडेशन रखवा दिया गया था समवेयर इन द सेवनटीन सिक्सटीज सत्रह सो साठ का पीरियड है पीरियड ऑफ सेवनटीन हंड्रेड एंड सिक्सटी वेर वी फाइंड ब्रिटिश गवर्नर जो इंडिया में रूल कर रहा था सेवनटीन सेवनटीज के पीरियड में सेवनटीन एटीज के पीरियड में रूल कर रहा था वॉरन हेस्टिंग्स वॉरन हेस्टिंग्स के बारे में हमने कल एक क्वेश्चन देखा था गवर्नर जनरल के रूप में सर ठीक है तो वॉरन हिस्टिंग्स जब रूल कर रहा था भारत में तो ही ऑलवेज हैड द इंटरेस्ट ऑन इंडियन हिस्ट्री एंड इंडियन कल्चर बिकॉज ही फॉलोड द ओरिएंटल फिलासफी मतलब इंडियंस की कस्टम्स इंडियन रीत रिवाज इंडियन परंपरा के ऊपर रिसर्च करके उसके ऊपर से पूरा एक बेसिस बनाना तो उस समय पे ये जो महाशय वॉरन हिस्टिंग्स है वो क्या करते हैं वॉट ही डिड कि उसने भारतीय इतिहास के तहत एक संस्था को आयाम देने की कोशिश की और उसने बहुत सारे स्कॉलर्स को बनाया तो उनमें से एक स्कॉलर आया विलियम जोन्स विलियम जोन्स ने एक संस्था बनाई जिसका नाम है एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल कौन सी संस्था बनाता है एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल याद रखेगा सर ठीक है सो वी फाइंड की समवेयर इन दिन एटीज द ब्रिटिश विल बी एस्टैब्लिशिंग दशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल दिख रही है आपको यहां पे सर है ना ये जो लाल कलर की मैं लाइन कर रहा हूँ ये वाली सर है ना एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल तो ये जो अंग्रेज लोग जब इनफैक्ट यहाँ पे एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना करते हैं तो उसमें इंडिया के अंदर हिस्टोरिकल रिसर्च बहुत सारा हुआ हिस्टोरिकल रिसर्च का मतलब ये है कि दे स्टार्टेड लुकिंग कि भाई इतिहास क्या है भारत का किस तरह से भारत का इतिहास डेवलप हुआ है और उसमें क्रोनोलॉजी कैसे हम लोग एस्टेब्लिश कर सकते हैं क्योंकि उनको टर्न बाय टर्न देखना था ना हर एक चीजों को तो अंग्रेजों ने क्या किया वोट द ब्रिटिश डेट की बेस्ड ऑन द हिस्टोरिकल अंडरस्टैंडिंग्स उन्होंने इंस्क्रिप्शन बहुत सारे डिसिफर किए इंस्क्रिप्शन का मतलब है कि जो पत्थरों के ऊपर लिखे वाली जो कहानी है ना ताम्रपथर के ऊपर कॉपर इंस्क्रिप्शन के ऊपर मेटल के ऊपर लिखी जाती थी वॉल्स के ऊपर लिखी जाती थी तो उसमें आपको दो तीन लोग दिखेंगे सर ठीक है उनमें एक ऑफिशियल दिखेगा जिसका नाम है कॉलिन मैकेनिजी सर ठीक है ये वो भाई साहब है जिसने फिर विजयनगर को डिस्कवर किया आपको पता होगा विजयनगर एम्पायर मिडिवल इंडिया के अंदर हम लोग पढ़ेंगे सर ठीक है एंड उसने करीबन 8000 के आसपास पास इंस्क्रिप्शन इकट्ठे किए और उसको आइडेंटिफाई करके बताया कि विजयनगर का हिस्ट्री कैसा रहा है ठीक है इस पीरियड में ही भारत के अंदर अलग अलग विस्तारों में बहुत सारे इंस्क्रिप्शन मिले वी फाइंड मल्टीपल इंस्क्रिप्शन एट दैट टाइम तो इतने सारे इंस्क्रिप्शन मिले इतने सारे इंस्क्रिप्शन मिले ना तो उन सब इंस्क्रिप्शन का स्टडी करने की शुरुआत हुई अब प्रॉब्लम ये हो रहा था कि भारत के लिटरेचर के अंदर मौर्यस के बारे में लिखा था महाजनपदों के बारे में लिखा था कुछ कुछ इंस्क्रिप्शंस में एक राजा का नाम दिख रहा था जिसका नाम था प्रियदर्शी या प्रियदर्शी कुछ कुछ इंस्क्रिप्शन के अंदर एक राजा का नाम दिखा गया था जिसका नाम है प्रियदर्शी पर लोगों को पता नहीं चलता था कि ये प्रियदर्शी कौन है प्रियदर्शी, सर, 1838 के आसपास की बात है और कहा जाता है कि एक ब्रिटिश ऑफिशियल था जिसका नाम था जेम्स प्रिंसेप्ट जिसने इनफैक्ट जूनागढ़ नाम की जगह है वहां पे अशोक का एक बहुत बड़ा शिलालेख आया हुआ है जूनागढ़ और द गिरनार गिरनार इंस्क्रिप्शन इंस्क्रिप्शन ऑफ अशोका अशोका इज देयर एंड अंडर दिस हैज नेम एज प्रियदर्शी क्या बोला है अशोक ने अपने आप को अशोक कहता है कि मैं तो प्रियदर्शी हूँ प्रियदर्शी का मतलब यह है कि मैं देवों का प्रिय हूं मैं सबके लिए इनफैक्ट है ना बिलवेड वन हूं सर ठीक है तो अशोक कॉल्स हिमसेल्फ एज प्रियदर्शी एंड इट वॉज प्रिंसेप जो ब्रह्मी लिपि के अंदर अभ्यास करते हुए बताते हैं कि भाई ये प्रियदर्शी तो अपना अशोक है और उसके बाद भारतीय इतिहास का आयाम बदल गया सर गेडिंग ऑफ आयाम बदलने का मतलब ये है कि ग्रेजुअली धीरे 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 भारत के इतिहास के ऊपर इंस्क्रिप्शन की स्टडी बहुत हुई और ये इंस्क्रिप्शन की जब स्टडी हुई तो मल्टीपल स्कॉलर्स मल्टीपल ऑथर्स ने आके इंडिया के ऊपर रिसर्च करते हुए ये इंस्क्रिप्शन को हाईलाइट करते हुए बताया कि कैसे डेवलपमेंट हुआ होगा सर गेटिंग ऑफ पॉइंट है ना समझे कि नहीं समझे तो होता यह है कि आफ्टर एटीन हंड्रेड्स प्रिसाइसली इन द ब्रिटिश हिस्टोरी पार्ट क्योंकि हिस्ट्री राइटिंग उनसे ही हमने सीखी है या उनसे हमने बोरो की है सीखी तो नहीं है क्योंकि हम भी पहले लिखते थे भारत के अंदर पुराने समय के अंदर गुप्त राजवंश देख लीजिए या हर्षवर्धन की कहानी देखिए तो आपको बहुत सारे ऐसे किंगडम्स दिखेंगे जहां हिस्टोरिकल राइटिंग होती थी बट इनका एक अलग कहानी आपको दिखती है सर ठीक है तो कहानी यह है कि ये जो टाइम निकल के आया द टाइम दैट डेवलप ड्यूरिंग दिस और होल पीरियड सर ठीक है लिटरेचर का दोनों का मिक्सर करके हमने पूरी के पूरी टाइमलाइन है इसमें आपका इंस्क्रिप्शन का बहुत बड़ा अभ्यास है और लिटरेचर का भी अभ्यास है सर ठीक है ये लिटरेचर और इंस्क्रिप्शन इकट्ठे होते होते क्या बनते हैं सर आपकी हिस्ट्री रिकन्स्ट्रक्शन में मदद रूप करेंगे तो आप जो भी हिस्टोरिकल स्टडी देख रहे हो और हिस्टोरिकल रिकन्स्ट्रक्शन देख रहे हो तो उसमें आपको इसको बहुत फोकस करना पड़ेगा इसको नहीं फोकस किया तो फिर आपका आधा अधूरा रह जाएगा यू विल फाइंड कि आपकी जो हिस्ट्री राइटिंग है या हिस्ट्री अंडरस्टैंडिंग है उसमें कहीं ना कहीं कमजोरी रह गई है खैर जो भी पॉइंट है लेट मी कम बैक टू दिस पॉइंट मैं आपको यहाँ पे इसकी शुरुआत कर रहा था और ये चैप्टर के अंदर बताने की कोशिश कर रहा था कि भारत के अंदर इनफैक्ट पोस्ट मोरियन या पोस्ट गुप्ता सॉरी पोस्ट हरप्पन पीरियड में होता क्या है सर ठीक है और पोस्ट हरप्पन पीरियड के अंतर्गत किस प्रकार का डेवलपमेंट हुआ उसको शुरू करेंगे अब देखिए जैसे हमने पिछले चैप्टर के अंदर भी किया था और मैंने आपको बताने की कोशिश की थी इवन इन द लास्ट चैप्टर कि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है उसमें टोटल दस पॉइंट है यहाँ पे भी करीबन आठ से दस पॉइंट दिए हैं हम लोग यहाँ पे सबसे पहले अब देखने की शुरुआत करते हैं कि 600 हंड्रेड बी के आसपास छोटे छोटे किंगडम कैसे बन के आए सिक्स हंड्रेड बी सी के आसपास किस प्रकार के इनफैक्ट है ना महाजन पीरियड की डेवलपमेंट कैसे होती है सर ठीक है ना सो नाउ लेट्स मूव टू दिस पॉइंट एंड नाउ लेट्स सी कि क्या डेवलपमेंट होता है अब आप याद करिए कि किंगडम्स के बारे में सर ठीक है या एम्पायर बिल्डिंग के अंदर या एरिया के बारे में हमने इंडस वाली सिविलाइजेशन का मैपिंग किया था याद आया कि नहीं है आपको और मैंने आपको बताया था कि अंडर द मैपिंग ऑफ इंडस वाली सिविलाइजेशन द इंडस वैली सिविलाइजेशन वॉज लोकेटेड इन द नॉर्थ वेस्ट पार्ट ऑफ द कंट्री नॉर्थ वेस्ट का मतलब क्या है आज से बलूचिस्तान वाला देख लीजिए मतलब वेस्टर्न पार्ट ऑफ पाकिस्तान ईरान पाकिस्तान बॉर्डर से लेके आज से गुजरात तक और फिर नीचे महाराष्ट्र में दईमाबाद ऊपर मंडा मंडा इज इन जम्मू कश्मीर सर इतने सारे रीजन्स में हमको इंडस सिविलाइजेशन का डेवलपमेंट दिख रहा है वैदिक एज के अंदर जो अर्ली वैदिक आर्यंस थे वो सिंधु विस्तार में सेटल हुए थे सिंधु का मतलब है वही इंडस के आजू बाजू वाले विस्तार सरस्वती मतलब गगर हाकरा हो गया सर ठीक है लेटर वैदिक पीरियड में ये लोग गंगा यमुना में आ गए ये जो गंगा यमुना में आए सर ठीक है उसके बाद यहाँ पे इन्होंने इनफैक्ट एग्रीकल्चर चेंजेस किए इन्होंने इनफैक्ट यहाँ पे प्रोडक्शन करने की शुरुआत की ट्रेड एंड कॉमर्स बढ़ा है आयरन के टूल्स होने की शुरुआत हो रही है वर्ण व्यवस्था का निर्माण हो रहा है अर्बनाइजेशन हुआ है उन सब का फायदा हमको क्या देखने को मिल रहा है किंगडम्स को मिलेगा और वहाँ से ही छोटे छोटे किंगडम्स बनेंगे जिसे जनपद कहते हैं सर अर्ली स्टेट्स का फॉर्मेशन देखने को मिलेगा जनपद से अल्टीमेटली महाजनपद बनेगा सर महाजनपद का मतलब है बड़े राज्य बनते हैं सर ठीक है सो व्हाट डू वी सी ओवर हियर अगर आप समझने की कोशिश करोगे सिक्स सेंचुरी बीसी वाज अ पीरियड वेयर द अर्ली स्टेट्स वर स्टेट और ये जो अर्ली स्टेट्स हम लोग यहां पे देखने को कोशिश करते हैं वो बहुत ही प्रोमिनेटली आगे एंपायर बिल्डिंग के अंदर आपको हेल्प करेंगे सर ठीक है सो so एनसीआरटी के अंदर यह टाइटल दिया गया है द अर्लीस्ट स्टेट्स क्या टाइटल दिया गया है कि प्रारंभिक राज्य और फिर यहां पे बोला गया है द सिक्सटीन महाजनपद सोलह महाजनपद के बारे में यहां टाइटल दिया गया है ठीक है क्या बोलता है द द सेंचुरी इज ऑफन रिगार्डेड एज अ मेजर टर्निंग पॉइंट इन इंडियन हिस्ट्री इट इज एन एरा एसोसिएटेड विद द अर्ली स्टेट सिटीज द ग्रोइंग यूज ऑफ आयरन डेवलपमेंट ऑफ कॉनेज एटसेट्रा कॉइनेज का मतलब क्या है बेटा पंचमार्क और कौन से पंचमार्कमार्क एंड दैट टू दिस वर मेड ऑफ सिल्वर याद रखेगा कि ये जो भी कॉइन्स थे कैसे बनते थे ये चांदी के बनते थे ज्यादातर चांदी के बनते थे सर ठीक है इट ऑल्सो विटनेस द ग्रोथ ऑफ डाइवर्स सिस्टम्स एंड थॉट्स इंक्लूडिंग बुद्धिज्म एंड जैनिज्म मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया कि सिक्स सेंचुरी बी के पीरियड के अंतर्गत आपको बुद्धिज्म और जैनिज्म का भी डेवलपमेंट दिखेगा सर ठीक है ना तो इसमें से क्रोनोलॉजिकल क्वेश्चन आपके बहुत सारे फॉर्म होंगे देखे आज यू मल्टीपल क्रोनोलॉजी बेस्ड क्वेश्चन होपफुली आप ये चार्ट बना रहे हो बाय द वे आप मेरे क्लासेस में आइए ना तो ज्यादातर तो क्या है कि ये स्लाइड जो है ये एनसीईआरटी के अंदर से ही हमने बनाई है सर ठीक है बट ये जो मैं पूरा लिखता हूं ना स्क्रिबल करता रहता हूँ कुछ कुछ अक्षर थोड़े मेरे भारी है मौज करा देने वाला है बट नेक्स्ट टाइम थोड़े अच्छे अक्षर निकालने की कोशिश करूंगा है ना ढाई अक्षर प्रेम की जैसी हो जाती है खैर सो लेट मी कम बैक टू दिस पॉइंट सो अल ट्राई टू मेक श्योर कि मैं थोड़े हैंडराइटिंग अच्छे रखू बट आप उसको है ना ओपन या क्या कहते हैं ब्लैंक पेज के अंदर लिखिएगा एटलीस्ट यू ऑल्सो राइट ऑन अ ब्लैंक पेज सो दैट आपके लिए भी फायदेकारक होगा वरना तो क्या होगा कि स्क्रिबलिंग के चक्कर में फिर क्वालिटी बिगड़ जाएगी सर है ना आपकी और फिर आपकी नोट्स भी तैयार नहीं होगी क्या बता रहा था मैं आपको हाँ सिक्स सेंचुरी बी में सर ठीक है अब कहानी क्या है वॉट इज द इंटरेस्टिंग पॉइंट सर ठीक है सिक्स सेंचुरी बी में भारत में एक बहुत बड़ा ट्रांजिशन आया और ट्रांजिशन की कहानी क्या चलती है ट्रांजिशन की कहानी ये चलती है कि यहां पे 16 राज्य बन के आए कितने लिटरेचर ने बताया इंस्क्रिप्शन के अंदर हमको जानकारी मिली लिटरेचर में बुद्धिज्म और जैनिज्म के अंदर जो लिटरेचर डेवलप हुआ उसकी भी नॉलेज मिलती है अब जैनिज्म बुद्धिज्म आगे के चैप्टर में है नेक्स्ट चैप्टर है ना स्टैंडर्ड ट्वेल्थ के एनसीईआरटी में उसमें जैनिज्म बुद्धिज्म कवर किया गया है तो जब मैं वो चैप्टर को पढ़ाऊंगा आगे की क्लासेस में तो एल बी कवरिंग दैट पॉइंट एज वेल्स के खैर यहाँ क्या लिखता है एनसीआर सर ठीक है ये लिखता है कि अर्ली बुद्धिस्ट एंड जैन टेक्स्ट ठीक है सी चैप्टर फोर मैंने बताया ना आगे के चैप्टर में पढ़ेंगे मैंशन अमॉन्स अदर थिंग्स थिंग्सटीन स्टेट्स नोन एज द महाजन पदा सर ठीक है ना आपको बुद्धिज्म में एक किताब दिखेगी अंगूत्र निकाय सर ठीक है अंगूत्र निकाय इज अ बुक ऑफ पाली लिटरेचर और उसके अंदर इनफैक्ट ये सोलह महाजन पद के बारे में बात की गई है तो कहानी ये चलती है कि सिक्स सेंचुरी बीसी तक आते जाते एक बड़े बड़े स्टेट्स बनने की शुरुआत हुई और यहाँ से ही हमको क्या पता चलता है मल्टीपल फॉर्म्स ऑफ महाजन पदा केम इन टू द पिक्चर सर गेडिमा पॉइंट है ना तो हम लोग अब समझने की कोशिश करते हैं कि ये सोलह महाजन पद कहाँ पर आए थे और ये सोलह महाजन पदों का कैपिटल क्या था सर ठीक है ना तो याद रखेगा कि हड़प्पन सिविलाइजेशन हमने कहाँ पे देखी थी इफ़ यू आर एबल टू रिकॉल द प्रीवियस क्लासेस हमने देखा था कि इंडस वैली सिविलाइजेशन Mostly यहाँ पे लोकेटेड है याद आया सर ठीक है उसके बाद हमने देखा कि वेरी केज मतलब पढ़ा नहीं है पर वेरी केज मैंने बताया अर्ली वेरी केज यहाँ पे 600 हंड्रेड बी के आसपास पूरा भारत का जो पिक्चर है वो यहाँ पे डेवलप हो रहा है हड़प्पन के 1500 साल के बाद भारत का इतिहास यहाँ से यहाँ आ गया सर ठीक है एक प्रश्न आता है और उसके अंदर कभी कभी डिस्कस होता है कि इम्पैक्ट ऑफ जोग्राफी ऑन हिस्ट्री हाँ भूगोल का इतिहास के ऊपर क्या असर पड़ता है कभी सोचा है आपने यह प्रश्न कि वॉट हैज़ बिन द इम्पैक्ट ऑफ जोग्राफी ऑन हिस्ट्री ना भूगोल का इतिहास के ऊपर क्या असर पड़ता है हैव यू थॉट अबाउट दिस पॉइंट कभी आपने इसके बारे में थोड़ी कल्पना भी की है कि किस प्रकार से असर होगा सर और किस तरह से भूगोल और इतिहास एक दूसरे के साथ परस्पर जुड़े भी हुए हैं सर नहीं भी जुड़े हैं तो कैसे नहीं जुड़े हैं सर ठीक है इंटरेस्टिंग है सर है ये बहुत ओपन एंडेड टॉपिक है अच्छा आज अफगानिस्तान देख लीजिए अभी मैं अभी थोड़ी देर पहले न्यूज़पेपर पढ़ रहा था तो उसमें अफगानिस्तान की कहानी थोड़ी बहुत दोहराई थी ऑथर ने कि भाई अफग़ानिस्तान में क्या हो रहा है आजकल था ना तो उसको ग्रेवयार्ड ऑफ एम्पायर कहते हैं पता है ग्रेवयार्ड ऑफ एम्पायर का मतलब यह है कि एक ऐसी परिस्थिति जहाँ पे एम्पायर बिल्डिंग करने वाले बड़ी बड़ी ताकतें घुसी मतलब एक समय की बात है जब रशिया ने ट्राई किया अमेरिका ने ट्राई किया ब्रिटेन ने ट्राई किया था ईरानियंस ने ट्राई पर्शियंस ने ट्राई किया था टर्किश लोगों ने ट्राई किया था सबको मार पड़ती है सबको मार पड़ती है सर अफगान खतरनाक है सर अफगानिस्तान से ठीक है भारत में भी सिक्स सेंचुरी बीसी के आसपास आपको सोलह राज्य दिखेंगे सर गा पॉइंट और ये जो सोलह राज्य है ये तीन अलग अलग जगहों पे आपको दिखेंगे कुछ कुछ राज्य आपको हिमालय के फुटहिल्स के ऊपर दिखेंगे सम स्टेट्स यू विल फाइंड ऑन द फुटहिल्स ऑफ हिमालय सर गिमा पॉइंट हिमालय के फुटहिल्स के ऊपर आपको दिखेंगे सर कुछ राज्य आप देखोगे तो आपको यहां गंगा यमुना प्लेन्स के ऊपर दिखेंगे सर कुछ राज्य आपको इस साइड सेंट्रल इंडिया से लेके मालवा वाले रीजन में और कुछ राज्य अगर आप समझने की कोशिश करोगे तो यू विल फाइंड समवेयर इन द नॉर्थ वेस्ट पार्ट ऑफ द कंट्री एंड अल्टीमेटली देर विल बी ए स्टेट बिलो द गोदावरी रिवर या विंध्यस के नीचे विंध्यस के नीचे वो है अशमक स्टेट सिक्स सेंचुरी बीसी में तीन अलग अलग प्रकार के यहाँ पे भारत में पॉलिटिकल चेंजेस हो रहे हैं और ये पॉलिटिकल चेंजेस में महाजन पदों का निर्माण हुआ ये महाजन पद अगर आप समझने की कोशिश करोगे तो अलग अलग रीजन में डेवलप हो रहे कुछ कुछ हिमालय के फुटहिल्स के ऊपर शिवालिक माउंटेन्स के जस्ट नीचे आज के नेपाल वाले रीजन में है ना आज के नेपाल नेपाल से थोड़ा नीचे आओगे उस साइड वाले प्रदेश में कुछ राज्य आपको गंगा यमुना वाले रीजन में दिखेंगे कुछ आपको सेंट्रल इंडिया में सेंट्रल इंडिया से लेके वेस्टर्न पार्ट में और कुछ आपको नॉर्थ वेस्ट के अंदर एक राज्य ऐसा है जो विंध्या के नीचे मिलता है वो है अशमक राज्य अब ये सोलह के सोलह स्टेट्स बन रहे हैं सर यूल फाइंडीन स्टेट एस्टेब्लिश्ड ये सोलह राज्यों की ही कहानी हम लोग आज के क्लास के अंदर देखेंगे सर ठीक है और हमको पता चलता है कि हड़प्पा के अंदर हमने आपको बताया था कि कोई भी प्रकार का पॉलिटिकल एग्जिस्टेंस के बारे में नॉलेज नहीं मिलता है बट बाय 600 बीसी By 600 B.C. we come to know the political condition of that period. हमको उसकी राज्य व्यवस्था के बारे में पता चल गया जब ये पोलिटिकल कंडीशन देखेंगे, तो आपको अलग अलग स्टेट दिखेंगे जैसे यहाँ पे आपको मल्ल करके एक राज्य दिख रहा है आपको एक वृज्जी करके एक राज्य दिख रहा है आपको एक अंग करके राज्य दिख रहा है बाय द वे कल मैंने आपको एक अंगीका करके एक आर्ट के बारे में बताया था याद आया एक क्वेश्चन दिया था हमने फोक आर्ट के ऊपर अंगीका आर्ट के बारे में मैंने आपको बताया था सर ठीक है ना महाजनपद का प्रकार है सर है ना आपको वंग दिखेगा बंगाल के अंदर सर खैर वंग बड़ा स्टेट नहीं था पर मगध दिखता है काशी दिखता है कोशाल दिखता है वत्स दिखता है छेदी दिखता है अवंती मत्स्य मत्स्य मतलब आज का जयपुर वाला रीजन सर ठीक है शौर सेना पांचाल एंड इवेंचुअली घंधार एंड कम्बोज लास्ट बट नॉट द लिस्ट अशमक एक दो एक दो तैन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह और सोलह सर के पॉइंट है ना तो सिक्सटीन बिग बिग स्टेट्स वर ये जो सोलह स्टेट्स इस टाइम के अंदर एस्टैब्लिश किए गए हैं उसमें मल्ला और ये सब तो छोटे राज्य थे उसको हम लोग नहीं दिखनेंगे इसके अंदर से हमको पता चलता है कि कुछ कुछ किंगडम्स के रूप में थे जहाँ पे हमको मोनार्की का डेवलपमेंट दिख रहा है मतलब राजाशाही का डेवलपमेंट दिख रहा है कुछ कुछ राज्यों के अंदर हमको क्या दिख रहा है ओलीगार्की दिख रही है ओलीगार्की का मतलब क्या है कि जहां पे रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट दिखेगा क्या दिखेगा रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट दिखेगा जहां राजा का चुनाव होता था द किंग दिंगटेड वाया काउंसिल और इस प्रकार से भारत में छोटे छोटे किंगडम बनने की शुरुआत हुई ये छोटे छोटे किंगडम में जो सोलह राज्य थे जो सोलह राज्य थे ये सोलह राज्य में से एक राज्य फिर अपना साम्राज्य बनाएगा जिसका नाम था मगध ये छोटे छोटे किंगडम में ये जो सोलह राज्य थे उनमें फिर एक राज्य अपना साम्राज्य बनाता है जिसका नाम था मगध और फिर मगध की ही कहानी आगे चलेगी और मगध किस तरह से अपना एम्पायर एक्सपांशन करता है उसकी भी आपको पूरी स्टोरी दिखेगी सर किडिंग पॉइंट तो पहला पिक्चर आपको समझ में आना चाहिए कि सिक्स सेंचुरी बी में बहुत डेवलपमेंट हुई ये डेवलपमेंट में आयरन का डेवलपमेंट हुआ कॉइनेज डेवलपमेंट हो रहे हैं सिटी स्टेट्स डेवलपमेंट हो रहा है एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट हो रहा है और आयरन का जब यूज बढ़ता है तो आयरन के अलग अलग टूल्स बनते हैं और टूल्स बनता है तो उससे क्या होता है इक्विपमेंट्स बनते हैं ये इक्विपमेंट से वेपन्स बनेंगे और ये वेपन से इनफैक्ट अल्टीमेटली क्या होगा कि आप राजा की सेना के अंदर इसका उपयोग करोगे जब दूसरे राजा को पराजित करना होगा वैन यू वॉन्ट टू डिफीट अदर किंग यू विल यूज द आयरन टूल्स टू डिट अदर गेडिंग अपॉन तो इन सब पीरियड के दौरान ये जो सिक्स सेंचुरी बीसी का जो पीरियड है ये पीरियड में अब आपके छोटे छोटे किंगडम के बीच में लड़ाई आपको देखने को मिलेगी और ये जो लड़ाई की हमने बात बताई है वी हैव टॉक्ड अबाउट हाउ दे वर फाइटिंग एंड वॉट लेट टू दी फाइट अमॉन्ग द किंगडम्स वॉज वन ऑफ द रीजन्स वॉज द एम्पायर बिल्डिंग एंड द एम्पायर एक्सपांशन सर ठीक है तो ये जो कंडीशन यहाँ क्रिएट हुई है इन सब कंडीशन के अंतर्गत हमको आराम से एक चीज देखने को मिल रही है कि इस पीरियड के समय पे बहुत फंडामेंटल चेंज हुए और यही चेंज के दौरान सोलह महाजनपद बन के है सर ठीक है अब ये सोलह महाजनपद पद कहां पे थे उनकी मैपिंग आपको पता होनी चाहिए ये सोलह महाजनपद के अंतर्गत किस प्रकार की पॉलिटिकल सिस्टम थी वो भी पता होना चाहिए मैंने आपको हड़प्पन्स के बारे में बताया था कि हड़प्पन्स की पॉलिटिकल कंडीशन हमको नहीं पता है ऑनेस्टली नहीं पता है बट बाय सिक्स सेंचुरी बीसी, सी सिक्स हंड्रेड बी तक आते आते हमको क्लियर कट पता चल रही है कि बहुत सारे छोटे और बड़े किंगडम उभर के आए जिनके यहाँ पे अलग अलग प्रकार की पॉलिटिकल सिस्टम एग्जिस्ट किया करती थी सर गेटिंग तो सोलह महाजनपद के अंतर्गत याद रखेगा कि द पॉलिटिकल कंडीशन दैट फॉर्म्ड द पोलिटिकल कंडीशन दैट फॉर्म्ड एंड दैट डेवलप इन दिस रीजन लेड टू दमेशन ऑफ द सिटी स्टेट गेटिंग दिस conditions वी फाइंड कि कुछ कुछ महाजन पदों को इनफैक्ट जो चलाने वाले जो शासक थे उनको राजा के रूप में कंसिडर किया गया है कुछ कुछ जगहों के ऊपर हमको एक असेंबली दिखेगी असेंबली का मतलब यह है कि हम लोग कह सकते हैं कि वहाँ पे एक परिषद थी एक काउंसिल हुआ करती थी और काउंसिल के द्वारा इनकी पॉलिटिकल सिस्टम चलती थी जहाँ पे हमको पता चलता है कि एक नए प्रकार की राज्य व्यवस्था का निर्माण हो गड़ीमा पॉइंट समझे कि नहीं समझे तो वॉट डू वी सी ओअर हियर वी फाइंड टू काइंड ऑफ पोलिटिकल सिस्टम दैट डेवलप इन दिस पीरियड वन वॉज द किंगडम किंगडम के अंतर्गत एक राजा था जहाँ राजा हेरीडेटरी अपना शासन चलाता था हेरीडेट्री का मतलब यह है कि वो वंश परम्परागत था कुछ कुछ जगहों के ऊपर जैसे आपको मैं मल्ल राजा की बात कर सकता हूँ या मैं आपको वर्जीज की बात कर सकता हूँ जहाँ पे हमको क्लियर कट एविडेंसेस मिल रहे हैं कि वहाँ जो राजा है वहाँ का जो राजा है उसका काउंसिल के द्वारा उसकी गण के द्वारा उसकी संघ के द्वारा उसका इलेक्शन होता था और इलेक्शन के अंतर्गत कुछ उसकी रॉयल फैमिली के जो लोग थे उसको इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते थे इसके लिए उसको गण संघ कहते हैं दी अर्लीस्ट फॉर्म ऑफ द रिपब्लिक्स दर्लीएस्ट फॉर्म ऑफ द रिपब्लिक्स इन इंडिया भारत एक गणतांत्रिक और प्रजासत्ताक देश है हम कहते हैं ना वी आर रिपब्लिकन वी आर सोवरेन सोवरेन का मतलब है हम सार्वभौमक है सो नो वन कैन चैलेंज द एग्जिस्टेंस ऑफ द कंट्री एंड दे कैन नॉट चैलेंज कि इंडिया की सरकार ये क्यों कर रही है और ये क्यों नहीं कर रही पर वेन वी से द रिपब्लिकन मतलब ये है द हेड ऑफ द स्टेट इज इलेक्टेड बाई द पीपल हियर इन द सेंचुरी वी गेट दैट वर स्टेट्स इन द कंट्री which were formed the the part of the political developments and where we see the king पार्ट ऑफ द पोलिटिकल the एंड वेर वी सी दिंग रखेगा कि भारत में ये जो सोलह महाजन पद बने सर ये जो सोलह महाजन पद बने सर ये सोलह महाजन पदों के अंतर्गत इनकी जो पॉलिटी को हम लोग जब देखते हैं तो हमको दो प्रकार की पॉलिटी देखने को मिलती है सर पहली पॉलिटी के अंतर्गत हमको किंग के बेसिस के ऊपर मोनार्की के फीचर्स दिखेंगे जहां हेरिडेटरी लाइन ऑफ सक्सेशन होगा जहां राजा के बाद उसका बेटा और उसके बाद उसका बेटा एक ही डायनेस्टी से निकल के आने हुए आपको दिख जाएंगे सर जैसे आप देखोगे तो मगध के अंदर आपको इस प्रकार की शासन व्यवस्था मिलेगी तो इन द किंगडम ऑफ मगध वी फाइंड देरीडेटरी सक्सेशन वॉज देयर एक ही डायनेस्टी हरियक डायनेस्टी है शिशुनाग है या और कोई है

बॉडीज हुआ करते थे जो राजा का चुनाव करते थे और गण गणसंघ के अंदर मेंबर कौन हुआ करते थे? द रॉयल फैमिलीज रेसाइडिंग इन दैट रीजन और ये लोग भी अपने आप को राजा का टाइटल देते हैं तो होता ऐसा है कि कुछ कुछ छोटे छोटे राज्यों के अंदर जैसे आप वृज्जी के बारे में देखोगे जैसे आप मल्ल के बारे में देखोगे ये वैसे राज्य थे जहां पे राजा का चुनाव होता था द द किंग किंग गेटिंग इलेक्टेड एंड अंडर दिस सिस्टम वी सी दैट सिलेक्शन डन बाय अ ग्रुप ऑफ पीपल दिस ग्रुप ऑफ पीपल ऑल्सो बिलोंग टू द रॉयल फैमिलीज ये भी छोटे मोटे राजा ही होंगे उस टाइम पे और इसके लिए ये सिस्टम को औलीगारकी कहा गया है औलीगारकी का मतलब क्या है कि यहां पे कुछ रॉयल फैमिली चार पांच रॉयल फैमिली के जो अलग अलग पर्सन है उनका टर्न बाय टर्न इलेक्शन होके उनकी फैमिली से एक के बाद एक राजा बनता रहता था और राजा का पर चुनाव होता था तो भारत में ये जो सिक्स सेंचुरी बीसी की पॉलिटिकल सिचुएशन है उसमें बहुत सारे राज्य बन गया है इन द सिक्स सेंचुरी बीसी वी फाइंड मल्टीपल स्टेट्स वर फॉर्म्ड एंड व्हेन द स्टेट्स वर फॉर्म्ड देर वर सर्टेन स्टेट्स याद रखेगा ऑलिगार्किल पॉलिटिकल सिस्टम वेर द किंग वॉज गेटिंग इलेक्टेड इन समेट वी सी डायरेक्ट एविडेंसिस दैट द किंग वॉज इलेक्टेड एज अ पार्ट ऑफ द हेरिडेटरी सक्सेशन मतलब राजा डायरेक्टली सिलेक्ट ही होता था इलेक्शन होता ही नहीं था तो इस तरह से हमको पहली बात तो डिफरेंसेस के अंदर दिख रही है कि भारत में ये जो सोलह राज्य बन के आए ये सोलह राज्यों के अंदर बहुत सारे प्रोमिनंट स्टेट्स आपको दिखेंगे कुरु है पंचाल है गंधार है अवंती है वृद्धी है मगध है उसमें जो मगध है ये सबसे बड़ा एम्पायर बिल्डर बनेगा नेक्स्ट क्लास के अंदर आपको बताऊंगा कि मगध विल बी द दायर बिल्डर और फिर हम लोग ये भी डिस्कस करेंगे कि क्यों मगध का ही साम्राज्य बिल्डिंग हुआ विल ऑल्सो भी डिस्कसिंग कि क्यों मगध का साम्राज्य बिल्डर विस्तरण होता है और कोई एक का एम्पायर एक्सपेंशन नहीं हो पाया ठीक है तो वी फाइंड मल्टीपल पॉलिटिकल एग्जिस्टेंस और इसी के अंतर्गत मैंने आपको बताने की कोशिश की कि मेजोरिटी ऑफ द महाजन पद यहाँ पे राजाओं के द्वारा चलते थे सम नोन एज द गणा और द संग वर ऑलीगार्किस वायर पावर वॉज शेयर बाय नंबर ऑफ मैन वहाँ पे बहुत सारे लोग इनफैक्ट पावर को शेयर करते थे कलेक्टिवली कॉल्ड एज द राजा मतलब क्या है कि वहाँ पर एक से ज़्यादा पोलिटिकल जो बैलेंस था वो एस्टैब्लिश किया गया था जैसे बुद्ध का जो किंगडम था शाक्य डायनेस्टी आपको पता होगा बुद्ध बिलोंग टू द शाक्य डायनेस्टी ठीक है या आप महावीर के बारे में आप थोड़ी बहुत जानकारी रखते होंगे तो वो जनांत्री का जनात्री का वंश बिलोंग करते थे ही बिलोंग टू द जनात्री का डायनेस्टी उनके भी वंश के अंदर भी आपको इसी प्रकार की पॉलिटिकल सिस्टम देखने को मिलती है सर जहाँ पे पावर शेयरिंग होता था और उनके बीच में इनफैक्ट है ना जो राजा था वो एक राजा अगर होगा भी पर बाकी सारे राजाओं का भी अपना खुद का पॉलिटिकल एग्जिस्टेंस रहेगा सर गेडिमापर ऐसे सोलह राज्य बन के आए ये सोलह राज्यों के अंतर्गत हमको पता चलता है कि अलग अलग प्रकार की पॉलिटिकल सिस्टम बनती है और इन्हीं राज्यों के बीच में छोटी मोटी छोटी मोटी अगर आप समझने की कोशिश करोगे तो संघर्ष भी हमको देखने को मिल जाएगी सर गिडीम पॉइंट है ना अब ये राज्यों में अपनी खुद की डेवलपमेंट थी ये राज्यों के अंतर्गत आपको कहीं कहीं पे दिखेगा कि कुछ कुछ राज्य ऐसे भी थे जिनके पास काफी बड़े लैंड भी हुआ करती थी ऑल्सो फाइंड कि इनकी जो हिस्टोरिकल रिकंस्ट्रक्शन है वो बहुत टफ हो जाती है बट हमको पता चलता है कि इनमें से कुछ कुछ राज्य जो है वो अपने आप को बहुत लंबे समय तक सर्वाइव भी करवाएंगे सर गेडिंग अपॉइंट ये सोलह के सोलह राज्यों की कहानी ये है कि ये सोलह राज्य अंदर अंदर फाइट भी किया करते थे दिक्कसटीन स्टेट्स वो फाइटिंग अमंगस अब आपको ये सोलह राज्यों का पहले मैपिंग करवा देता हूँ सो देट आपको पूरा पिक्चर क्लियर हो जाएगा कि कौन सा स्टेट कहाँ पे आया हुआ है सर ठीक है ना महाजनपद के अंतर्गत कौन से कौन से स्टेट्स कहाँ पे आए हैं आपको पता होना चाहिए सर ठीक है तो एक मगध महाजनपद सबसे प्रोमिनेंट है याद रखेगा जिसका कैपिटल था राजगीर सर ठीक है प्लीज रिमेंबर उसी तौर के ऊपर अगर आप समझने की कोशिश करोगे आपको काशी दिखेगा वाराणसी सर केड़ीमा पॉइंट वो इनफैक्ट एक बहुत प्रोमिनेंट महाजनपद था जहां से पार्श्वनाथ बिलोंग करते थे पार्श्वनाथ के बारे में आपको जानकारी होगी पार्श्वनाथ वॉज द ट्वेंटी थर्ड तीर्थंकार तेईसवें नंबर के तीर्थंकार थे जनिज्म के अंतर्गत सर ठीक है फिर आपको वत्स करके एक राज्य दिखेगा जिसका कैपिटल था कौशंबी कौशंबी मतलब आज का प्रयागराज प्रयागराज मतलब फिर बीच में इलाहाबाद नाम हो गया था वापिस हमने प्रयागराज कर दिया क्योंकि ओरिजिनल नाम प्रयागराज ही था वो तो अकबर के जमाने में उसका नाम इलाहाबाद कर दिया गया सर ठीक है चलिए सर ठीक है फिर आपको आज के मध्य प्रदेश में दिखेगा छेदी छेदी डायनेस्टी सर और फिर आपको आज के ही मालवा वाले रीजन में अवंती दिखेगा जिसका कैपिटल था उज्जैन दिख रहा है आपको एक महाजनपद आपको यहां दिखेगा साउथ के अंदर प्लीज रिमेंबर द नेम्स उसका नाम था अश्मक अश्मक वाज द ओनली महाजनपद बिलो गोदावरी रिवर याद रखेगा गोदावरी के जस्ट नीचे या विंध्यास के नीचे हम क्या रखेंगे इन द डेक्कन दक्कन के अंदर आया हुआ एकमात्र महाजनपद ठीक इसके साथ-साथ आप आज के यमुना वाले प्रदेश में चले जाओ ठीक है तो वहां पे आपको मतलब थोड़ा ऊपर की साइड तो आपको दिखेगा कौशल शाल का कैपिटल था श्रवस्ती अयोध्या करके एक राजा आपको दिखता है सर ठीक है मगध में आपको बिंबिसार दिखेगा आजाद शत्रु सब बुद्ध के शिष्य हुआ करते थे सर ठीक है विल फाइंड अवंती एंड वत्स बी फाइटिंग अमंग ये छेदी महाजनपद पहले जबलपुर के पास था मध्य प्रदेश में जबलपुर आपको पता होगा वहां पे था वहां से फिर माइग्रेट होके यहाँ पे आ गया उड़ीसा में छेदी वंश कलिंग के अंदर राजा खारवेल दिखेंगे सर लेटर पीरियड में पोस्ट मॉडर्न में खैर यहां पे आपको पंचाल वंश दिखेगा पांचाल वंश एक और वंश दिखता है कुरु डायनेस्टी समवेयर ओवर हियर इन दिल्ली यमुना वाला कुरुक्षेत्र है ना गेटिंग अ तो प्राचीन भारत में एक वंश था भारत वंश राजा भारत का नाम सुना है ना आपने तो पुरु और भारत ये दोनों के दोनों वंश इकट्ठे होके कुरु बन गए पुरु वंश और भरत वंश इकट्ठा होके कुरु वंश बन गया वैदिक काल की बात है फिर आपको यहां पे दिखता है शौर सेना जिसका कैपिटल था मथुरा ठीक है एक और राज्य दिखेगा जिसका नाम था मत्स्य जिसका कैपिटल था बैराट या विराट नगरी या बैराट या विराट मतलब आज का जयपुर ठीक है उसके साथ साथ आप देखोगे तो आपको यहां पे गांधार दिखेगा तक्षशिला, वेरी इंपॉर्टेंट प्लेस एंड फाइनली इन द नॉर्थ वेस्ट पार्ट ऑफ द कंट्री फाइंड अ प्लेस कॉल्ड कंबोज कंबोज जो है सबसे नॉर्थ वेस्ट पार्ट और सबसे ईस्टर्न मोस्ट महाजन पद अगर आपको पूछता है तो वो था अंग जिसका कैपिटल था चंपा अंग जिसका कैपिटल था चंपा दैट इज इन द मॉडर्न बिहार बिहार से बंगाल की तरफ सटते हुए ठीक है पुराने भारत में बंगाल को वंग भी कहा गया है अंग और वंग के बीच में अंतर है सर है ना व और ब अगर आपको पता होगा एक ही है ना हम किसी को व भी कहते हैं किसी को ब भी कहते हैं वो बंगाली भाषा में तो आपको दोनों दिखेगा विष्णु भी दिखेंगे और विष्णु भी दिखेंगे सर है ना समझ में आ रहा है आपको बंगाली वी एंड बी एट टाइम्स आर ओवरलैप्ड मैनी विष्णु समवन विल से विष्णु बोथार सेम में बंगाली उड़िया आप उड़ीसा के अंदर भी आप असामिस चले जाओ बंगाली उड़िया एंड असामिस लैंग्वेज उसमें आपको ये दोनों आ, ये क्या कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन मिल जाती है खैर तो ये आपके महाजन पद हो गए वंग महाजन पद उतना प्रोमिनेंट नहीं था हमारे लिए इतने याद रखने जरूरी है एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह और फिर एक यहाँ पे आपको मल्ल दिख जाएगा और ब्रजिश दिख जाएंगे सर जो बाजू बाजू में ही है सर ठीक है ना तो ये आपके मेजर महाजनपद हो गए उसमें महावीर और बुद्ध जो थे उनके छोटे राज्य हुआ करते थे और वो मूल तह से जो पॉलिटिकल सिस्टम से बिलोंग करते थे उसे गणसंघ कहा गया गण संघ का मतलब है कि वहां बहुत सारे राजाज होंगे एक राजा नहीं था बहुत सारे राजाज थे और इनके बीच में पावर शेयरिंग होता था इन द फॉर्म ऑफ सम काइंड ऑफ फेडरेशन गेडिंग अपॉइंट और फिर एक राजा का चुनाव भी करते थे ये लोग पर काइंड kind ऑफ of आपको अलग प्रकार के सिस्टम दिखती है मगध जैसे राज्य यहां सबसे ज्यादा प्रोमिनेंट बनेंगे सो यूल फाइंड द स्टेट ऑफ मगध विल बी गेटिंग प्रोमिनेंट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम और फिर ये मगध ही था जो कहता है कि मैं अपना साम्राज्य बनाऊंगा तो होता यह है कि इनकी पॉलिटिकल कंडीशन सब महाजनपदों की अलग अलग है याद रखोगे आपको क्वेश्चन आएगा कि वत्स महाजनपद कहां पे है किसकी संघर्ष किसके साथ हो रही थी सर ठीक है आप समझने की कोशिश करोगे तो आपको पता चलेगा कि ये सोलह महाजनपद है ये सोलह महाजनपद में से धीरे 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 जब ग्रेजुअल टाइम देखोगे तो चार ही महाजनपद बचेंगे और चार में से इवेंचुअली एक महाजनपद अपने अपने का क्या बनाएगा साम्राज्य बनाएगा सर गेडिंग है ना तो कहानी यह चलती है कि मगध जो है यह अपना साम्राज्य बनाने की तरफ जाएगा पर उसके लिए अभी टाइम है अभी तो हम लोग यहां पे देख रहे हैं और यह सोलह के पहले भी अगर आप पकड़ने की कोशिश करिए सोलह महाजनपद पहले भी छोटे राज्य हुआ करते थे जिसे हम लोग कहते थे जनपद सर केडिंग अपॉइंट जिसे हम लोग क्या कहते थे जनपद तो आप पहला तो ये मैपिंग कर दीजिए कि कौन से महाजनपद कहाँ पे आए हैं और इनका क्या पॉलिटिकल सिग्निफिक सिग्निफिकेंस है इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस है कल्चरल सिग्निफिकेंस है क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से बहुत बनते रहते हैं द क्वेश्चन एक्चुअली आर ड्राफ्टेड फ्रॉम दिस टॉपिक इन मेनी वेज बहुत सारे वेज के अंदर आपको दिख जाएंगे सर ठीक है सो प्लीज़ बी श्योर अबाउट दिस मैप वेयर इज इट लोकेटेड उनका क्या इंपॉर्टेंस है और इनकी हिस्ट्री क्या रहती है अब इनकी हिस्ट्री अगर मैं डिटेल में यहाँ पे पढ़ाने जाऊंगा तो बहुत लेंदी हो जाएगा क्योंकि एनसीईआरटी में इनकी हिस्ट्री को लिमिटेड दिया गया जैसे एन क्या कहती है कि भाई इनके सिटीज़ में सबसे ज्यादा डेंसिटी कहाँ पे है विच वर द एरियाज वेर द स्टेट्स एंड द सिटीज वर डेंसली क्लस्टर्ड द एरिया वॉज इन द यमुना आई वुड से रीजन गंगा यमुना रीजन जहाँ पे ये दो आब वाला रीजन है और वहाँ से संगम हो रहा है यहाँ पे सबसे ज़्यादा ईस्टर्न यूपी एंड बिहार वाले रीजन में मैक्सिमम महाजनपद दिखेंगे क्योंकि ये वो टाइम है जहाँ पे सबसे ज़्यादा फर्टिलिटी मिल रही है यहाँ पे ही यहाँ पे रिसोर्सेज भी अच्छे मिल रहे हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी होगा और फिर इसके कारण ही क्या होगा अर्बनाइजेशन जो मैंने आपको बताया सब ठीक है सेकंड अर्बनाइजेशन है ना प्राचीन भारत में क्या होगा दिस विल लीड टू अर्बनाइजेशन सर पॉइंट है ना तो याद रखेगा कि दिस विल लीड टू द सेकंड अर्बनाइजेशन अर्बनाइजेशन फर्स्ट अर्बनाइजेशन कब हुआ हड़प्पा के सभा के अंदर सर ठीक है तो पहले छोटे राज्य बने फिर वहां से जनपद बने और फिर ये महाजनपद का निर्माण हुआ सोलह महाजनपदों के डेवलपमेंट होने की शुरुआत हो जाती है इकोनॉमी और पॉलिटी दोनों यहाँ पे इकट्ठी होती है ये महाजनपद के अंतर्गत मैंने आपको बताया कि कुछ कुछ महाजनपदों के अंदर रजवाड़ा चलता था मोनार्की चलती थी कुछ कुछ महाजनपद के अंदर बहुत सारे राजा पावर शेयरिंग करते थे जिसे गण संघ के रूप में पहचानते थे इन सब के बेसिस के ऊपर मैंने आपको बताने की कोशिश की कि, कि कुछ कुछ संघ इतने पावरफुल थे कि जिनके पास जो लैंड थी वो भी बहुत बड़ी थी और इन्होंने लैंड को भी कलेक्टिवली चलाने की कोशिश की है सर गिडीम वी फाइंड कि हर एक महाजनपद की खुद की कैपिटल सिटी थी और ये हर एक महाजनपद को अपने हिसाब से फोर्टिफाई भी करते थे फोर्टिफिकेशन का मतलब है कि उनका जो भी महाजनपद है उसको पूरी तरह से फोर्ट के रूप में कन्वर्ट करके उसकी सिक्योरिटी का आधार भी बनाया गया था अब आप याद करिए फोर्टिफिकेशन का मतलब है कि ब्रिक्स का उपयोग होने की शुरुआत होगी बट हड़प्पा के क्वालिटी की ब्रिक्स हमको यहाँ पे नहीं दिखेगी सर वी ऑल्सो फाइंड कि यहाँ पे जो पूरा का पूरा फोर्टिफिकेशन हो रहा है वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन का डेवलपमेंट भी होगा और ये एडमिनिस्ट्रेशन के अंतर्गत ब्यूरोक्रेसी का भी डेवलपमेंट हो रहा है ये एडमिनिस्ट्रेशन के अंतर्गत अब यहाँ पे आर्मी का भी डेवलपमेंट हो रहा है सो वी फाइंड कि अब ये वो पीरियड है जहाँ पे बहुत सारे पॉलिटिकल डेवलपमेंट हुए कल्चरल डेवलपमेंट हुए इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुए तो मिलिट्री डेवलपमेंट भी होंगे क्योंकि ये सब के सब महाजनपद के जो राजा थे ये अंदर अंदर फाइट करते थे इनफैक्ट आप देखोगे तो ये सोलह महाजनपद है ना ये पहले सौ साल तक अंदर अंदर फाइट करेंगे पहले सौ साल तक फिर चार महाजनपद बचते हैं यू विल फाइंड ओनली फोर महाजनपद विल बी सर्वाइविंग ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कौन से कौन से महाजनपद बचेंगे याद रखेगा सर विच महाजनपद विल बी एबल टू सरवाइव दम सेल्स तो विल फाइंड ओनली फोर महाजन विल बी सर्वाइविंग ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वन विल बी द महाजनपद ऑफ अवंती देर विल बी द महाजनपद पद ऑफ कौशंबी मतलब जो वत्स हैं देर विल बी द महाजनपद पद ऑफ कौशाल कौशल एंड द महाजन ऑफ मगध ये चार महाजनपद ऐसे महाजनपद पद थे जो सर्वाइव करते हैं लॉन्गर पीरियड ये सोलह थे ना पहले ये सोलह में पोलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं थी इनकी इकोनॉमिक डेवलपमेंट ज्यादा नहीं हो रही थी और फिर इसके कारण ये ज्यादा टिक नहीं पाए इनके खुद के इंटरनल इशूज भी चल रहे थे क्योंकि पावर शेयरिंग बहुत हो गया था रिवॉल्व होते रहते थे सर ठीक है तो ये सोलह थे ये सोलह में से चार हो गए और ये चारों के बीच में लड़ाई होगी उसमें आखिर में आप देखोगे तो मगध एंड कोशाल जो है ये एकमात्र महाजनपद ऐसे बन के आए जो सर्वाइव करते हैं लॉन्गर पीरियड में और इन दोनों की संघर्ष चलती रहेगी बुद्ध के समय की बात है पीरियड ऑफ बुधा जहां पे आपको कोशाल का राजा देखेगा प्रसन्नजीत और प्रसन्न अजीत की हम लोग जब कहानी देखेंगे तो ही विल बी हैविंग अ कन्फ्लिक्ट विद अजात शत्रु और दोनों मैट्रीमोनियल रिलेशन्स बांध के बैठे हुए थे सर है ना अजात शत्रु की मदर जो थी वो प्रसन्न अजीत की सिस्टर थी सर ठीक है मतलब वो मामा लगता था प्रसन्न अजीत उसका तो भी मामा का वध करने की बात कर रहा है सर ठीक है ना तो बहुत सारी कहानी आपको यहाँ दिखी काशी को लेके इशू चल रहे थे काशी जो है वो इन्होंने दहेज में दिया था कुशाल वालों ने मगध को और फिर उसको लेके फिर काफी पॉलिटिकल इशू भी हो गए सर है ना तो फाइंड मल्टीपल बट इनके बीच में संघर्ष चलता है मोटे मोटे तौर के ऊपर याद रखेगा इनके बीच में संघर्ष चलेगा ये संघर्ष चलने के बाद आखिर के अंदर एक महाजनपद अपने आप को सर्वाइव करेगा जो अपना साम्राज्य वितरण करता है सर गिमा पॉइंट समझे कि नहीं समझे तो चीजों को समझिए और चीजों को समझने के बाद देखने की कोशिश करिए कि किन प्रकार का डेवलपमेंट हुआ और किस तरह से फोर्टिफिकेशन करने की आधार बनती है फोर्टिफिकेशन करने की क्यों आवश्यकता बनी क्योंकि उनको समझ में आ गया था कि अब हम लोग पॉलिटिकल डेवलपमेंट कर रहे हैं हमारी खुद की सेना होगी हमारी खुद की ब्यूरोक्रेसी का डेवलपमेंट हो रहा है बहुत सारी चीजें बदलने की कोशिश कर रही है और इसी के कारण हमको क्या देखने को मिल रहा है कि एक नए प्रकार की सिस्टम डेवलपमेंट हुई ये जो नए प्रकार की सिस्टम डेवलप हो रही है इसी के अंतर्गत हमको क्या देखने को मिला कि कल्चरल डेवलपमेंट भी होने की शुरुआत होगी सर ठीक है तो वॉट डू वी सी ओवर हियर वी फाइंड द इंडियन सोसाइटी इंडियन पोलिटिकल सिस्टम इंडियन इकोनॉमिक सिस्टम इज ऑल्सो चेंजिंग अब ये जो सिक्स हंड्रेड बी सी का जो पीरियड है ये चार्ट आपकी किताब में दिया नहीं है बाय दवाई आप लिख सकते हो इसको इस तरह से बना सकते हो इस पीरियड में मैंने आपको एक पॉइंट के बारे में बताया वो है वर्ण व्यवस्था अब हड़प्पी सभ्यता में हमको कोई नॉलेज नहीं है कि वर्ण सिस्टम था कि नहीं था बट जब हम लोग वेरी, के आए, वेरी केज के ऊपर आए वेन वी कम टू द वे केज याद रखेगा उसके अंतर्गत हमको चार वर्णों की एक हरारकी देखने को मिलती है इन द लेटर वेदिक पीरियड यू माइट बी अवेयर अबाउट द ब्राह्मण द शूद्रस ठीक है एंड बेस्ड ऑन दुपेशन ऑफ दर्सन दर्ण सिस्टम इमर्ज ये जो वर्ण सिस्टम इमर्ज हो रहा था इसी पीरियड के समय पे वी फाइंड द लिटरेचर आल्सो डेवलप और वेदिक लिटरेचर के अंतर्गत आपको एक किताब दिखेगी जिसका नाम है धर्मशास्त्र अब आप समझने की कोशिश करिए कि यहां पे बोला गया है एनसीआरटी के अंदर कि समवेर इन द दिक्कत सेंचुरी बीसी जब वेदों का निर्माण ऑलरेडी हो चुका है एज में वेद का निर्माण हो चुका है ऋग्वेद का मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया भी था कि जब वेद का निर्माण हो चुका है उसके बाद वाले पीरियड के अंदर हम लोग को डायरेक्ट एविडेंसेस मिल रहे हैं कि यहाँ पे इनफैक्ट अब वेदिक लिटरेचर में फर्दर इवोल्यूशन हुआ और ये जो फर्दर इवोल्यूशन हुआ उसमें धर्मशास्त्र लिखे गए ये जो धर्मशास्त्र लिखे जा रहे हैं धर्मशास्त्र तो दैट आर एक्चुअली बींग कम्पाइल्ड एट दिस टाइम विल लीड टू दमेशन ऑफ न्यू काइंड ऑफ लिटरेचर सर गेडिंग और ये लिटरेचर के अंतर्गत बहुत इंटरेस्टिंगली बोला था गया कि अब राजा को क्या काम करना है क्षत्रियो को क्या काम करना है वो भी हमको डेवलपमेंट मिला सो वॉट डू वी सी ओवर हियर बिकॉज ऑफ द धर्मशास्त्र पॉलिटिकल एग्जिस्टेंस ऑफ द किंगडम केम इन टू द बींग आप समझने की कोशिश करिए धर्मशास्त्र के अंदर जो चीजें लिखी गई है इन्हीं के बेसिस के ऊपर से हमको देखने को मिल रहा है कि अब रोल ऑफ किंग को डिफाइन कर दिया गया और बोला गया था कि उसको क्या काम करना है यह धर्मशास्त्र के अंतर्गत बोला गया था कि उसके पास अब कलेक्शन ऑफ टैक्सेस का पावर होगा वो यहां पे जो किसान है उससे पैसा कलेक्ट कर पाएगा ट्रेडर से पैसा कलेक्ट कर पाएगा और आर्टिजन से पैसा कलेक्ट कर पाएगा पॉइंट इन सब कंडीशन के अंतर्गत हमको क्या देखने को मिल रहा है कि यहां पे इकोनॉमिक एक्सपानशन हो रहा है डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एक्टिविटीज हो रही है पॉइंट क्या हो रहा है सिक्स हंड्रेड बी सी के आसपास बिकॉज ऑफ द लिटरेचर एंड बिकॉज ऑफ द धर्मशास्त्र विच डिफाइन द रोल ऑफ द किंग वो क्या कहता है कि क्षत्रिय का काम क्या है क्षत्रिय का काम है रूल करना एंड एज ए रूलर अल्टीमेटली धर्मशास्त्र ये कहता है कि इसके हाथ में ये पावर होगा कि ये टैक्सेस कलेक्ट कर पाएगा जब टैक्सेस कलेक्ट कर पाएगा तो क्या होगा सर गेटिंग अ पॉइंट नॉट आपके यहाँ पे एक आर्मी बनेगी एक एडमिनिस्ट्रेशन क्रिएट होगा आपके यहाँ पे ब्यूरोक्रेसी होगी आप यहाँ पे अपने एरिया को फोर्टिफाई करोगे और अल्टीमेटली अपने आप को सिक्योर करोगे और जितने भी अलग अलग प्रकार के व्यापार हो रहे हैं जितने भी अलग अलग प्रकार की आर्थिक प्रवृतियाँ हो रही है उन सब के ऊपर से आप इकोनॉमिक अपने आप को मैं कहूँगा कि एक्सपांड करते हुए इस्टेब्लिश करोगे सर तो ये जो सोलह राज्य बन रहे थे ये सोलह राज्यों के अंदर हमको बहुत सारी चीजें पता चल रही है कि अब डेवलपमेंट होने की शुरुआत होगी और इसके कारण क्या हुआ कि राजाओं ने जब फोर्टिफिकेशन किया अर्बन सेटलमेंट्स बन गए टाउन प्लानिंग नए सिरे से हो रहा है मतलब हड़प्पा जैसा टाउन प्लानिंग नहीं था पर जब किला बनता था तो किलों के अंदर भी छोटी मोटी सेटलमेंट की प्लानिंग कर दी जाती थी सर और इन सब कंडीशंस के बेजिस के ऊपर हमको पता चलता है ये अलग अलग प्रकार की डेवलपमेंट होने की शुरुआत हुई राजा ने अलग अलग प्रकार के टैक्सेस निकालने की शुरुआत की और इसी के कारण हमको पता चलता है कि राजा एक दूसरे के ऊपर इनफैक्ट है ना अटैक करने की भी शुरुआत करेंगे वी कम टू नो अबाउट द रेट्स ऑन द नेबरिंग स्टेट्स जब एक राज्य दूसरे के ऊपर आक्रमण करेगा एक महाजनपद दूसरे महाजन के ऊपर आक्रमण करेगा और यह आक्रमण करने का इंटेंशन यही है कि जितने भी रिसोर्सिस होके के वो सब रिसोर्सेज को अपने कंट्रोल में ले ले सर गेटिंग अ पॉइंट नॉट और इन सब कंडीशन के अंतर्गत धीरे 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 कुछ कुछ राजाओं के पास अपनी सेना बढ़ती है कुछ कुछ राजाओं के पास अपनी ब्यूरोसी का एक्सपांशन हुआ और इसी के कारण हमको देखने को मिला कि वो पावरफुल हुए जब यहाँ पे टैक्स व्यवस्था अच्छी खासी डेवलप हो गई जब यहाँ पे इकोनॉमिक डेवलपमेंट होने की शुरुआत हो गई जब यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव डेवलपमेंट होने की शुरुआत हो गई इन सब कंडीशन के अंतर्गत कुछ राजा मजबूत होते हैं कुछ राज्यों के पास सत्ता मिल गई कुछ राज्य जो है इवेंचुअली आप समझने की कोशिश करोगे तो स्ट्रोंग एस्टैब्लिश होंगे कुछ कुछ राजाओं के पास पैसा नहीं था कुछ कुछ राजाओं के पास रिसोर्सेस कम थे तो वो अपनी पुरानी मिलिशिया मिलिशिया का मतलब है कि टेम्पररी आर्मी या किसी की मदद लेके अपने आप को डिफेंड करेंगे and this is one of the reasons we find ki they will not be able to survive and ultimately this led to the formation of a single i would say kingdom that was the story of magad samjhe ki nahi samjhe hai na तो आप समझने की कोशिश करिए कि मगध नाम का जो राज्य है जो ultimately, in fact ये जो 16 राज्यों में से अकेला राज्य बचता है उसके पीछे की कहानी क्या है सर गेडिंग point और not है ना तो याद रखिएगा सेकेंड अर्बनाइजेशन के फीचर्स आपको पता होने चाहिए और ये जो पॉलिटिकल एग्जिस्टेंस ये सोलह राज्यों में थी वहां क्या क्या कंडीशंस होती है वो भी आपको पता होनी चाहिए सर ठीक है क्योंकि जब आप देखोगे कि वोटिफिकेशन सब राजा नहीं कर पाएंगे आर्मी और एडमिनिस्ट्रेशन और ब्यूरोक्रेसी सब राजा नहीं बना पाएंगे तो जितने राज्य इनफैक्ट गणसंघों के हिसाब से चल रहे हैं जितने राज्य गणसंघों के हिसाब से चल रहे हैं और कुछ कुछ राज्य ट्रेडिशनल मोनार्की मतलब राजाशाही को फॉलो कर हैं तो उसमें से पावरफुल कौन होगा गणसंघ वाले पावरफुल होंगे या मोनार्की वाले राजाशाही वाले पावरफुल होंगे मगध एक गणसंघ वाला राज्य था या मोनार्की वाला राज्य था बताओ भाई मगध वॉज अ स्टेट जहाँ पे मोनार्की का डेवलपमेंट हो रहा है राजाशाही का निर्माण और इसके लिए मगध अल्टीमेटली आप देखोगे तो एक किंगडम की तरफ चला गया तो 600 हंड्रेड में बहुत चेंजेस आए और इतने सारे चेंजेस आए इतने सारे चेंजेस आए तो अल्टीमेटली फिर मगध जो है अपने आप को इस्टब्लिश करता है एंड मगध बिकेम वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेट्स इन द दिक्स सेंचुरी बी समझ में आया आपको तो ये जो पूरी कहानी है ना आप समझोगे ना ये कहानी को मैंने आपको स्टोरी लाइन के थ्रू समझाने की कोशिश की है और आज के क्लास के अंदर मैंने आपको ये बताने की कोशिश की है कि 600 और 500 हंड्रेड बी के बीच में क्या कहानी हो रही है और 600-500 के अंतर्गत मगध जो है अल्टीमेटली कैसे आगे हुआ तो आज हम लोग ने खाली यही पार्ट को कवर किया है वी हैव कवर्ड दिस मच पार्ट ओनली प्रॉब्लम यह है कि आप ये इंडेक्स जब बुक के अंदर खोलोगे तो सबसे लास्ट में दिया है दिस इंडेक्स इज गिवन इन द लास्ट पेज ऑफ द चैप्टर और फिर उसको आपको पहले दो पैराग्राफ के, के अंदर पढ़ना है समझ में आ रहा है आपको सो दिस इज वॉट आई एम डूइंग सर मैं आपको हर एक की टाइमलाइन को बुक के साथ लिंकअप करके दूंगा बुक में जो पैराग्राफ दिए और फिर उसकी पूछे की कहानी को व्हाइट बोर्ड के अंदर समझा के दूंगा ठीक है 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 तो आज आज हमने पढ़ा क्या एक्चुअली मैंने आपको बताया है कि हाउ महाजन, महाजन पद वर फॉर्म आज हमने और कुछ नहीं पढ़ा मैंने आपको खाली यही बताया है कि हाउ दि महाजन पदा पिक्चर इन तो द पोस्ट हरप्पन पीरियड हरप्पा के डिक्लाइन हुआ वेदिक एज तो हम पढ़ा नहीं है क्योंकि वेदिक एज आपके चैप्टर में दिया नहीं है बट ये जो महाजनपद का निर्माण हो रहा है उनकी क्या एग्जिस्टेंस हुआ करती थी और ये कैसे फॉर्म होते हैं उसकी पूरी कहानी बताइए मैंने और पूरी क्रोनोलॉजी आपको समझाई क्योंकि ये चैप्टर की कहानी तो यहाँ से शुरू होती है बट पीछे तो देखना पड़ेगा है ना पूरा का पूरा तब जाके चीजें समझ में आएगी तो आज हमने मोटे मोटे तौर के ऊपर आप देखोगे ना तो मैंने आपको पूरी क्रोनोलॉजिकल अंडरस्टैंडिंग दी है कि क्या डेवलपमेंट हुआ और

बट विल टेक अराउंड वन एंड हाफ टू टू आवर्स ऑफ सेशन आज हम लोग इतना ही रखते हैं क्योंकि हमने काफी सारी चीज़ें आज मुझे समझानी थी मेन तो क्रोनोलॉजिकल अंडरस्टैंडिंग देना था तो इसके लिए आधा घंटा तो क्रोनोलॉजी समझाने में दे दिया आपको क्योंकि वो नहीं समझे तो फिर लाइफ जिंगाला हो जाएगी देखिये मेरे क्लासेज में मैं आपको एक चीज बताता हूँ पता नहीं आप मेरी पीडियोगी से अंडरस्टूड अब हुए हैं कि नहीं हुए माई मेन इंटेंशन इज टू मेक यू क्लियर अबाउट द पीडियोगी एंड माई पीडियगोगी सच दैट मैं पहले दो तीन क्लासेज में फाउंडेशन बिल्टअप करता फिर उसके बाद उसके एप्लीकेशन में जाता हूं आज टाइमलाइन के साथ महाजन पद कैसे बने वो बताया और ये महाजन पदों के अंतर्गत एग्रीकल्चर अर्बनाइजेशन और फिर इकोनॉमी ट्रेड एंड कॉमर्स सोसाइटी सबका अपना रोल है एवरी वन इट्स ओन रोल राजा मजबूत हुआ उसके पीछे लिटरेचर का अपना खुद का रोल है और वैदिक लिटरेचर में जो धर्मशास्त्र का निर्माण किया गया तो धर्मशास्त्र ने कहा कि इट शुड बी द रोल ऑफ द क्षत्रिय टू प्रोटेक्ट द पीपल Kshatriya ki how can I protect the people? I need resources for that. So the Dharma Shastras, the religious book, said, ki, okay Raja, you charge money from the people in the form of taxes. So hence people started paying taxes to the king. And when the people started paying taxes to the king, it led to the formation of administration and bureaucracy. It led to the formation of army. The king started fighting more and more areas and ultimately converting into his own kingdom. दिस किंगडम विलीड टू द फॉर्मेशन ऑफ एन एम्पायर ओवर पीरियड ऑफ टाइम तो ये तो अभी बाकी है अभी तो हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे हैं अभी हम लोग देख रहे पोलिटिकल किंगडम को जिसे जनपद कहते हैं और जनपद से महाजनपद कैसे बने उसको बता रहा ये जनपद जो है ये वेरिक एज के अंदर आपको ये टर्म दिखेगा इन द लेटर वेरिकीरियड फाइंड दर्ड गोल्ड इजपद समझे नहीं समझे और उसके बाद फिर महाजनपद बनते तो उसकी लंबी कहानी है बट आज हम लोग इतना ही रखते हैं आई एम कीपिंग इत दिसमच ओनली क्योंकि मुझे आपको कंसेप्ट डेवलप करना है एनसीईआरटी के अंदर कंसेप्ट डेवलप हो ये प्लस वालों के लिए उतना ही है जो काफी बच्चे बोलते हैं कि सर आप एनसीआर टी uh, क्या है कि आप यूट्यूब के ऊपर और प्लस के ऊपर क्या डिफरेंस पढ़ाते हो देखो कंसेप्ट आर सेम द टीचिंग मैथडोलॉजी रिमेन्स सेम ओनली थिंग दैट चेंजेस इज द डेप्थ ऑफ अंडरस्टैंडिंग वेर आई कैन गिव मोर टाइम एंड इन अ मोर कॉम्प्रिहसिव है क्योंकि यहाँ पे जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ दैट इज द फाउंडेशन पॉस इसको पढ़ के अगर आप सेल्फ स्टडी भी करोगे तो भी आपको फायदा है इसको पढ़ के आप हमारे प्लस क्लासेस के अंदर ज्वाइन करोगे तो भी फायदा है इवन आप मेरे प्लस क्लासेस को विदाउट एनसीआरटी ज्वाइन करोगे तो भी आपको अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाएगी क्योंकि मेरे पास अलग प्रकार के स्टूडेंट आते हैं कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि जो बाहर से पढ़ के आए हैं या मेरे एनसीआर के क्लासेस यूट्यूब पर देख के आए हैं जॉइन द प्लस सम स्टूडेंट्स एक्चुअली नॉट ज्वाइन एनी कोर्स बटन दे है डायरेक्टली ज्वाइन द प्लस कोर्सेज उनके लिए भी बेनिफिशियल है ऐसा नहीं है सर ठीक है? है तो ये तो कॉन्सेप्ट था आज हम लोग इतना रखते हैं चैप्टर नंबर टू की शुरुआत हमने जिस तरह से की है आ, मुझे लगता है कि आ, दिस इज मोर देन इनफ टू अंडरस्टैंड एंड टू मेक यू अवेयर अबाउट कि हाउ दी आर टी नीड्स टू बी अप्रोच सर ठीक है ना तो आज इतना रखता हूँ फोर्टीन जुलाई को आई एम स्टार्टिंग विद ऑन ऑप्शनल और जब मैं ऑप्शनल को बैच शुरू करूँगा फोर्टीन जुलाई को आठ से दस बजे के बीच में हिस्ट्री का पेपर वन यहाँ पे कवर करवाऊंगा एनशेंट एंड मेडिवेद विल बी स्टार्टिंग विद द हिस्ट्रीओग्राफी एंड द सोर्स ऑफ हिस्ट्री और फिर ग्रेजुअली uh, मैं जी का एक कोर्स लेके आऊँगा ट्वेंटी जुलाई को तो अगर आप में से जिनको सब्सक्रिप्शन लेना है यू आर मोस्ट वेलकम टू टेक द सब्सक्रिप्शन क्योंकि अभी फ़ीस कम है फोर्टीन जुलाई तक फ़ीस मोस्ट ऑबली यही रहेगी जी एस ऑप्शनल दोनों का कंबाइंड सब्सक्रिप्शन टोटल फोर्टी फाइव परसेंट ऑफर ट्वेंटी फाइव पहले था प्लस टेन पी एन लाइव डिस्काउंट कोड को यूज़ करोगे तब मिलेगा आपको एक्स्ट्रा टेन परसेंट ऐसे ही कंपनी दे रही है अभी सर ठीक है ना सो प्लीज मेक श्योर यू टेक द मैक्सिमम एंड यू मेक द मैक्सिमम आउट ऑफ दैट है ना तो ये है आपकी लिमिटेड पीरियड की ऑफर है प्लीज़ मेक द मैक्सिमम आउट ऑफ दैट एंड uh, मैं आपको कल नेक्स्ट क्लास के अंदर मिलूंगा इसी को कंटिन्यू करेंगे महाजनपद के अंतर्गत और फिर आपको बताने की कोशिश करूंगा कि uh, मगध का निर्माण कैसे होता है सर ठीक है एंड हाउ मगध वाज एबल टू एस्टैब्लिश इट सेल्फ एज वन ऑफ द बिगेस्ट पावर्स इन दी होल रीजन सर ठीक है ना तो आज हमने महाजनपद का फॉर्मेशन बताया है और क्रोनोलॉजिकल डेवलपमेंट आफ्टर पोस्ट अर्पण पीरियड को डिस्कस किया सर ठीक है थैंक यू वेरी मच फॉर अटेंडिंग दिस क्लास एंड आई सी यू टूमोारो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस प्लेटफॉर्म कमेंट सेक्शन के अंदर डाउट्स हो तो कुछ भी बताइएगा एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए मेरे फ्री क्लासेस देखिए ऑन द एकेडमी स्पेशल क्लासेज वाइल यूजिंग दिस कोड पी एन लाइव पी एन लाइव कोड को यूज़ करोगे एप्लीकेशन के लिए या सब्सक्रिप्शन के लिए सब जगह यह चलेगा सर ठीक है ना थैंक यू वेरी मच कीप स्टडिंग एन ऑल द बेस्ट